पॉलिसी ने बिगाड़ा है बाजार का मूड और दिन के निचले स्तरों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार और बचा है आखिरी डेढ़ घंटा। अब है वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी, कहाँ होगी एक्सपायरी, बचे हुए डेढ़ घंटे और कल की क्या करें आप तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मार्केट में एक बार फिर से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसी बीच कुछ बड़े नंबर्स का भी है इंतजार, तो उनका भी लेंगे विश्लेषण। लेकिन आइए जान लेते हैं अनिल सर से कि अब यहां से क्या करना है। सर, एक बड़ा इवेंट हमारे पीछे निकल गया, लेकिन अब वीकली एक्सपायरी है। ट्रेडिशनली हम देखते हैं वोलेटिलिटी हावी रहती है, प्रेशर मार्केट में फिर बन रहा है, ये ऐसा क्या कह दिया गवर्नर साहब ने जो बात बाजार को पसंद नहीं आई और गिरता चला गया? देखिए, वैसे तो इस पॉलिसी से कोई उम्मीद थी नहीं, वो आपने सुबह ही कहा, और कोई अच्छा बोलेंगे गवर्नर साहब ये भी हमें पता था कि अच्छा कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि महंगाई के बारे में उन्हें खराब ही बोलना है। वो थोड़ा बहुत खराब बोले भी, लेकिन उतना ही खराब बोले जितना हमें पता था। ग्रोथ का टारगेट उन्होंने घटाया नहीं, तो तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, हरे निशान में हम बैंक निफ्टी को भी ले आए थे, है ना, और रिकवरी भी अच्छी हो गई थी, सब कुछ बढ़िया था। अचानक से उन्होंने लिक्विडिटी कम करने के लिए ICRR का एक प्रोविजन डाला, जिससे बैंक्स की लिक्विडिटी थोड़े समय के लिए कम हो जाएगी, बैंक्स के लिए थोड़ा सा उनकी कमाई कम हो जाएगी, वो सारी चीज़ें, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़े से समय के लिए बढ़ जाएगी। ये एक अनएक्सपेक्टेड आया मार्केट के लिए, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि गवर्नर साहब लिक्विडिटी कम करने के लिए ऐसा करेंगे। वजह उनकी ये थी कि भाई देखिए, 2000 के नोट बहुत आ गए सिस्टम में, पैसे बहुत हो गए हैं, तो हमें थोड़ा पैसा निकालना चाहिए सिस्टम से। लोगों का ये मानना है कि 2-3 महीने के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, तो थोड़ा सा वो मार्केट को पसंद नहीं आया। थोड़ा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा इम्पैक्ट है तो वो इम्पैक्ट भी निफ्टी बैंक पर है। निफ्टी बैंक की समस्या तो मेन निफ्टी बैंक की है, वैसे भी ऑलरेडी इतना मजबूत है नहीं, हम लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि खरीदना है तो बैंक निफ्टी ही खरीदना है, बैंक निफ्टी नहीं खरीदना। आज सुबह भी यही बात थी कि खरीदना तो आपको निफ्टी है, तो आई थिंक थोड़ा सा बैंक निफ्टी का दबाव है आज के लिए, तो वो रहेगा भी। कहीं कोई खास रिकवरी आई, कोशिश की, एक आध अटेम्प्ट किया था, लेकिन आखिरी डेढ़ घंटे में जाने के पहले फिर से बाजार थोड़े ढीले होते दिख रहे हैं और दिन के निचले स्तरों के आसपास आ रहे हैं, थोड़ी चिंता की बात तो है, लेट्स सी क्या होता है। तो सर, वीकली एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट करके चलना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं ना, एक आपके लोकल फैक्टर्स है जिसमें आपको कोई तेजी करने का खास कारण नहीं दिख रहा, करेक्ट, क्योंकि आपके पास फ्लोज खबर अच्छे नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर आज आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना हो या डे लो पर ही जाकर बंदा होना हो या बहुत पिटाई होनी है, उसके उतने बुरे चांस भी नहीं है, क्योंकि 125 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर होता है, तो इस वजह से रात को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 3.3% का जो महंगाई का आंकड़ा आने वाला है उससे थोड़ा बेहतर रह सकता है महंगाई का आंकड़ा, उतना ख़राब नहीं आएगा, 3% से 3.3% पर आएगा 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर। लेकिन अगर समझो ज़्यादा ना बढ़े और महंगाई के मोर्चे पर अमेरिका में थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए तो अमेरिका भाग भी सकता है। सो आई थिंक वो एक मन में कहीं है, उस वजह से डाउ फ्यूचर्स आपको मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। सो अब आपके लिए बड़े कश्मकश वाला मामला है। अगर अभी वीकली एक्सपायरी आज नहीं होती तब तो मैं आपको कहता कि अब सपोर्ट रेंज में आ रहा है, लेने का टाइम आ रहा है, क्लियर है। लेकिन आपको वीकली एक्सपायरी भी तो निकालनी है, और एक्सपायरी के अपने भी तो प्लस और माइनस हैं। 19,500 पे आप आ गए, ठीक है, आप सपोर्ट जोन में तो एंटर कर चुके हैं, इस बात का तो आप कंफर्ट रखें। पहला सपोर्ट लेवल आपका 19,535 का, आप 19,465 का है, उसके बाद 19,435। इन तीन टुकड़ों में खरीदारी की राय है, और खरीदना आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था 44,525 के आसपास का, वो तोड़ दिया। अब नेक्स्ट जो मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी के लिए है वो 44,275 का है, ठीक है। अगर उसके नीचे गया तो गई भैंस पानी में, है ना, ठीक है, और अगर वो होल्ड होता है तो ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मामला ढीला है। सो आपके लिए सिंपल सी चीज़ है, जब भी तेजी करने का मूड करे निफ्टी ही खरीदना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और दूसरा, ये लोअर लेवल पर जहाँ सपोर्ट रेंज का लोअर लेवल जहाँ सपोर्ट है वहाँ पर बाजार आता है तो वहाँ बेचना नहीं है, क्योंकि आपके सामने डाउ फ्यूचर्स 125 है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े बढ़े आए और डाउ आपका 300-400 पॉइंट बढ़ जाए तो, और ख़राब आए तो 300-400 घट भी जाए, मेक और ब्रेक वाला मामला है। सो आई थिंक एक दिन और आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम उसकी तो आगे भी तैयारी करेंगे, लेकिन आइए जान लेते हैं कि बाजार की नज़र अब कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रहने वाली है। पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास।
गुड आफ्टरनून नेहा, ट्रिगर्स के लिहाज से आज भी अर्निंग्स हैवी डे है जिसमें ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, इनके नंबर्स आने बाकी हैं निफ्टी से। एफिनो स्पेस से अभी भी 7 कंपनियां, बायोकॉन, कॉनकॉर, मनप्पुरम फाइनेंस, संवर्धन मदरसन, पेज इंडस्ट्रीज और साथ ही अपोलो टायर्स और सेल, इनके नंबर्स भी आएंगे। KRBL यहां पर भी नजर रखिए, शेयर बायबैक और डिविडेंड नतीजों के साथ साथ इस पर भी विचार करेंगे। और साथ ही आज शाम 4 बजे लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर प्रधानमंत्री मोदी भी रिप्लाई करेंगे। साथ ही यहां पर ध्यान रखिए NCLT में, NCLT का जो NCLT जील और सोनी मर्जर मामले में अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए नजर आएंगे, 2:30 बजे ये प्रोनाउंसमेंट आ सकती है। साथ ही जुलाई महीने का जो CPI आंकड़ा है US के लिहाज से, जिसकी सर अभी बात कर रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जहां तक कल का सवाल है, जून महीने का हमारा यहां पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो आएगा, साथ ही नंबर्स के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल्स और ONGC निफ्टी से, और FNO स्पेस की 14 कंपनियां हैं, चुनिंदा नाम मैं बता देता हूं, इसमें ABB, इन्फोएज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक शामिल है। ABB इंडिया की तो नतीजों के साथ स्पेशल डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। PFC यहां पर नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी कंपनी, और सूर्य रोशनी नतीजों के साथ शेयर विभाजन और डिविडेंड को लेकर, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय करने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। रेड टेप यहां पर मिर्जा इंटरनेशनल के साथ डिमर्जर के बाद इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। ITC की AGM भी है, उस पर भी ध्यान रखिए, और एक्स डिविडेंड काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, उसमें भारतीय एयरटेल, NTPC, BPCL जैसे स्टॉक शामिल है। मैक्स वेंचर्स की भी जो मर्जर हुआ था उसकी भी एक्स डेट 11 तारीख यानी कि कल की है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजार में छुट्टी रहेगी, साथ ही जुलाई महीने का PPI आंकड़ा US के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, और उन्हीं का अगस्त महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। UK के लिहाज से जो दूसरे तिमाही की GDP है उसकी फर्स्ट रीडिंग भी आती हुई दिखेगी। जहां तक शनिवार 12 अगस्त का सवाल है, नंबर्स के लिहाज से FNO स्पेस से CG कंज्यूमर, JK सीमेंट और अरबिंदो फार्मा पर नजर रखिए, और साथ ही जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो अपना इंक्रीमेंटल CRR 10% मेंटेन करेंगे 12 तारीख से। ओके, चलिए, तो ये तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान, कुछ नंबर्स आ चुके हैं, कुछ आने वाले, बताइए खबरों के दम पर और कहाँ कहाँ एक्शन दिखने वाला है। बिल्कुल, कई सारे नंबर आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो पिडिलाइट के नतीजे आए हैं, जहां पे आय लगभग 5.5% बढ़कर आई है, कामकाज मुनाफा 34% बढ़कर आया है, मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 17.1% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 21.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इप्का लैब यहाँ पर मुनाफा 14% बढ़कर आया है, आय भी अगर आप देखें तो आय लगभग फ्लैट रही है, और कामकाज मुनाफे की अगर आप बात करें वहाँ पर भी लगभग 14.5% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। एल्कम लेबोरेटरीज यहाँ पर आय लगभग 15% बढ़ी है, मार्जिन्स इनके भी इंप्रूव होकर आए हैं, 7.9% से इंप्रूव होकर 13% के आसपास आते हुए दिखे हैं। फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है, आय जो है लगभग 5% कम होकर आती हुई दिखी है, मार्जिन जो है वो भी कम होकर आए हैं, 14.2% से कम होकर लगभग 12% के आसपास आते हुए दिखे हैं। TVS श्रीचक्रा की बात करें तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, जो इनको लगभग 2.2 करोड़ का घाटा था, इस बार 21 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है, मार्जिन में भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है, 4.2% से बढ़ के मार्जिन जो है 8.6% पर आते हुए दिखे हैं। 3M इंडिया मुनाफा लगभग 54% के आसपास बढ़कर आया है, आय की बात करें वहाँ पर भी 11% के आसपास की बढ़ोतरी है। ग्रीव्स कॉटन यहाँ पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, जो 16 करोड़ का इनको मुनाफा था उसके मुकाबले इस बार अगर आप देखें तो 5 करोड़ का उनको घाटा आता हुआ दिखा है, और आय में देखेंगे तो लगभग 14% के आसपास की गिरावट दिख रही है। अंबिका कॉटन मुनाफा लगभग 47% के आसपास आपको गिर कर आता हुआ दिखा है, और आय में अगर आप देखें तो लगभग 13% के आसपास की गिरावट है। JT KT की बात करें तो मुनाफा जो है 14 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आया है, आय लगभग फ्लैट रही है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहां पर मुनाफा 14% गिरकर आता हुआ दिखा है, आय में लगभग वो वहां पर फ्लैट होती हुई दिखी है। अरविंद फैशन जो इनको घाटा था, लगभग 50 लाख का घाटा था, वो इस बार बढ़कर 16 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है, और आय में आपको 4% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में कार्ट्रेटेक की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा लगभग 2.5 करोड़ से बढ़कर इनको 13 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है, और आय की अगर आप बात करें तो 83 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ पर आई। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहाँ पर आज है भरपूर एक्शन, नतीजे ढेर सारे आ रहे हैं, थिक एंड फास्ट बहुत सारे आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे। तो वायदा कारोबार में एक तो पीडीलाइट आ गए, यस सर, और बस एक ही पीडीलाइट ही आए, अभी बाकी आना बाकी है, मतलब आप अगले 1.5 घंटे हमें ही ज़्यादा काम करना है आप दोनों के बजाय। ओके, लेकिन इस काम करने में ज़्यादा तो हम ही करेंगे, लेकिन मदद थोड़ी थोड़ी लेंगे कुणाल जी की, राकेश जी की, सुमित जी की, वागले साहब की, हिमांशु जी की, मेहुल कोठारी साहब की और जयंत साहब की भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले शुरुआत स्टॉक से, किसी की बिगुल की रिक्वायरमेंट है तो पहले बता दे, नहीं तो फिर मैं सवाल पूछना शुरू। ओह माय गॉड, क्या बात है, खतरनाक बैक टू बैक।
चलिए पहले वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, नेहा जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी एक्चुअली मुझे दो ब्यूकल की जरूरत है। दो तो पहले एक दो कॉल नहीं एक 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 उसके बाद हिमांशु जी का अनलेस की फिर बाद में आप ये कहते हैं कि मेरा तो स्टॉक भाग गया तो फिर भले दो एक साथ दे दो। मेरे को एक्चुअली पेयर ट्रेड लेना है। अच्छा फिर तो ठीक है मैं हाँ तो एक ही बिगुल में काम चला लेते हैं क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नीचे लग रहा है लेकिन मुझे एक स्टॉक ऐसा भी मिला है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। पहले तो आपको बेचना है एक बैंकिंग स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। इसने 230 का एक सपोर्ट ब्रेक किया है, अभी 227.5 के आसपास है। मुझे लगता है ये 220 तक नीचे जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 230.50 होना चाहिए। लेना है रिलायंस जिसने 2520 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो 2540-2545 के आसपास का करंट भाव है। एक ₹5 की बाइंग रेंज में इसको ले ले। 2520 का आपका स्टॉप लॉस होगा, एक ₹22-25 की रिस्क होगी। मेरा मानना है ये 2590-2600 तक आपको कल तक मिलना चाहिए, ये मोमेंटम इसमें आ सकता है। तो ये मेरा पेयर ट्रेड है। मार्केट डायरेक्शन मुझे अभी भी क्लियर नहीं है लेकिन बैंकिंग वीक है इतना क्लियर है। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय, सॉरी बंधन बैंक में बेचने की राय, रिलायंस में खरीदारी करने की राय। वो पेयर ट्रेड देने में ऐसी रिस्क रहती है, कभी कौन सा एंकर गलती से कोई बाय बोल दे सेल बोले तो एनालिस्ट का ट्रेड खराब हो जाए। ओके बट मैं ऐसा हूं नहीं, तो मैं रिलायंस को ही बाय बोलूंगा और बंधन बैंक को ही सेल बोलूंगा। ये है वागले साहब की तरफ से दो बेहतरीन पिक्स आती है। आइए मेरे ख्याल से कल सचिन जी ने भी रिलायंस में खरीदारी करने की राय दी थी क्लोजिंग वाले शो में, मुझे जहाँ तक से याद है। आइए गुप्ता साहब के लिए भी एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2560 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, 35-36 रुपए का भाव है, ₹30 का स्टॉप लॉस लगाना है, 50 और ₹60 के दो टारगेट्स के लिए, यही मेरा ट्रेड है। वागले साहब ने दो एक ही साथ शॉर्ट्स मार के बाजी जीत ली है, पर ट्रेड यही है 2560 का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन रिलायंस का खरीदना है, 50 और ₹60 के दो टारगेट्स के लिए, ₹31 के स्टॉप लॉस के साथ। आज कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आप करना मत हिमांशु जी, मैं बता रहा हूँ आपको पहले से। पूछो क्यों? क्यों सर? दिन आपका खराब है आज। पूछो कैसे? बिगुल जी की गुजारिश पहले मेरी होगी सर। सही जवाब। फैक्ट चेक में पता चला कि आप एकदम फोटो फिनिश में वागले साहब से आगे निकले थे, लेकिन हमारा तो क्या है वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हमें लगा वागले साहब के पहले आता होगा, तो बिना फैक्ट चेक के बजा दिया। देखो वागले साहब की किस्मत है आज अच्छी, पहले भी मिला एक की जगह दो भी मिला, आपका पीछे भी रहा। जी हिमांशु जी कुछ अपनी किस्मत के बारे में कहना चाहेंगे आप? शानदार है, सुबह पहली कॉल ट्रेंड में खरीदारी की दी थी और वो सुबह से फ्रंट फुट पर डटा हुआ है, सारे टारगेट्स ओवर अचीव कर चुका है, तो दिन तो बढ़िया है। बढ़िया, वेरी नाइस। जो ये ऐसे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, नहीं नहीं जो नसीब पे नहीं कर्म पे विश्वास करते हैं। हाँ नहीं तो अभी डाउन हो जाते हैं, हिमांशु जी बोले मेरा तो नसीब ही खराब है, फिर आज रहने देता हूँ, अब आगे नहीं दूंगा। लेकिन कर्म जो सुबह सुबह मतलब खराब मार्केट में ₹100 ऊपर है ट्रेंड, आज का टॉप गेनर बहुत ही जबरदस्त शानदार। और बंसल जी भी बहुत तेजी से मुस्कुराते रहे, लेकिन हाँ एक पहले वागले साहब कुछ कहना चाहते फिर बंसल जी आपके पास आ रहे। जी वागले साहब। अनिल जी मैं तो ट्रेंड के लिए हिमांशु जी के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया वाकई में। और रियली मैंने उनको मैसेज भी भेजा, ये मार्केट में वन वे आउट परफॉर्म करना ये रियल पैटर्न है, मतलब उन्होंने रियली सही स्पॉट किया है जी। और रही बात तो उनका लक खराब है नहीं, मेरे सीनियोरिटी को भी कुछ आप लिहाज करिए ना, मेरे सीनियोरिटी का। वही तो किया सर। इसीलिए तो फैक्ट चेक नहीं किया, मैंने कहा सीनियर है वागले साहब बजा दो, कौन सा हिमांशु जी भी ऑब्जेक्शन लेंगे, अब उनको भी पता है पहले उनका नंबर था लेकिन हो गया। अच्छा कुणाल बंसल जी कुछ कह रहा था। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी वागले जी ने एक बिगुल में दो स्टॉक ले लिया। अनिल जी रिलायंस तो सभी का था, मैं कुणाल जी को आवेदन भेजता उससे पहले वागले जी ने बिगुल बजा के ले लिया। हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये ना सोचा जाए कि अनिल जी मैं और कुणाल जी काम नहीं कर रहे, और अनिल जी आज नसीब खराब हिमांशु जी का नहीं है,
हमारे को पैनलिस्ट का है जिन्होंने आज स्कूल की याद करा दी, जो क्लास के बीच में लंच खाते थे ना, हाँ। टीचर देखती थी तो कभी मुंह पे हाथ क्यों रखते थे, कभी यूं रखते थे अनिल जी, हाँ। तो अभी एक हमारे को पैनलिस्ट अनिल जी ऐसा करते हुए पाए गए और शायद आपकी अभी नजरें इनायत नहीं हुई अनिल जी। नहीं, मैं काम में बिजी था, वही मुस्कुरा रहे होंगे अभी। नहीं, मैं काम में ज्यादा बिजी था। और वैसे एक चीज बताओ, देखो आपकी कॉल मिस हो गई तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कुणाल जी राकेश जी की कॉल और दुनिया भर के किसी भी बाजार में जापानीज इन्वेस्टर ये सबसे अंत में आते हैं। वो इतना सोचने में टाइम लगाते हैं जितने में बाकी सब ले जाते हैं, फिर उनका कॉल वैसा होता है जिसे किसी ने न दिया हो। जी कुणाल जी, अनिल जी देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है अनिल जी, और बाकी जगह अनिल जी डिक्टेटरशिप है, एक व्यक्ति का राज है, हमारे यहाँ अनिल जी दो व्यक्तियों का राज है। तो कभी बंसल जी अनिल जी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, कभी मैं प्रस्ताव लाता हूँ, तो अनिल जी यही चलता रहता है। इस वजह से थोड़ी देर से हम लोग काम करते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं अनिल जी, ये तो मानना पड़ेगा। अरे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसी चीज के तो हम कायल है। बाकी रहा सवाल दो व्यक्तियों के राज का, तो ये तो हमें भी पता है दोनों में से किसी का राज नहीं है। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी जरा अपनी भावनाओं को थामिएगा, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे आगे, एक बार जल्दी से रिजल्ट बताना जरूरी है, उसके बाद हम आपके पास आपकी कॉल लेने के लिए आ रहे हैं। और रिजल्ट आए 1341 करोड़ से घटकर 1240 करोड़ आती दिखे, ये आय का आंकड़ा आता दिखा है। और कंसोलिडेटेड मुनाफा 207 करोड़ से घटकर 158 करोड़, हमारा अनुमान था 151 करोड़ का, तो मुनाफा तो आंकड़ा ठीक ही है। और आय का आंकड़ा जो है 1240 करोड़, तो मुनाफा आया है 242 करोड़, नहीं एक मिनट, ये सॉरी कामकाजी मुनाफा 242 था और हमारा अंदाजा था 231 करोड़, तो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, मामला इतना बुरा नहीं है ये आप कह सकते हैं। तो आय आई है 1240 करोड़, हमारा अनुमान था 1244। वाह भाई, किसने बनाया पोल, एकदम परफेक्ट बनाया, 1240 करोड़ आय 1244 करोड़ के सामने। कामकाजी मुनाफा उम्मीद थी 231 करोड़, आया 242 करोड़। मुनाफे की उम्मीद थी 151 करोड़, आया 158 करोड़। तो बिल्कुल उम्मीद के आसपास आते दिखे, और मार्जिन घटकर 19.5% है और हमारा अंदाजा था 18.5% का। तो नंबर्स खराब आने की उम्मीद थी, लेकिन उतने खराब आए नहीं है, ठीक ठाक है, बुरे नहीं है, किसी भी लिहाज से नंबर्स ठीक है, नॉट बैड। कुणाल जी चार्ट देखिए, राय दीजिए जरा। अनिल जी देखिए चार्ट भी हुबहू ठीक है, नॉट बैड अनिल जी, चार्ट भी ऐसा है, स्टॉक पे काफी बड़ा करेक्शन हमने ऊपरी स्तरों से देख लिया है, अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक पैटर्न इन द मेकिंग है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, और ये पैटर्न पूरा हुआ तो वापस से इसमें ट्रेंड रिजम्पशन देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में जिनके पास निवेश है लंबे समय से, जो इन्वेस्टेड हैं, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे, नई खरीदारी करने के लिए स्टॉक 42,000 पार करे तो फिर इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए अब सुमित जी बता रहे हैं हमें उनकी पसंद का शेयर। बिल्कुल पहले ही बच चुका है, बीच में इंटरप्शन आ गया, सॉरी फॉर द रुकावट के लिए, खेद है सुमित जी, बताएं सर। कोई नहीं अनिल जी, अनिल जी बिल्कुल तो बच चुका है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो सेल साइड का स्टॉक है, और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूव ऊपर का दिखाया है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, अब इसके अंदर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। फ्यूचर्स के अंदर इसका भाव चल रहा है अभी 1088 1090 1088 1090 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है ल्यूपिन। ल्यूपिन के अंदर एक वन वे तेजी के बाद आज इनिशियल संकेत मिले हैं प्रॉफिट बुकिंग के। कल का लो स्टॉक ने अभी ब्रेक किया है और स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आज सुबह से देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन के अंदर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए आज और आने वाले दिनों के अंदर, 4-5% का फॉल ल्यूपिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1110 का बनेगा। 1110 जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक तेजी होगी नहीं। नीचे के अंदर जो इसका पहला टारगेट बनेगा 1060 का बनेगा, दूसरा टारगेट जो बनेगा 1040 का बनेगा। तो लुपिन में बिकवाली करें 1110 के स्टॉप लॉस से 1060-1040 के टारगेट्स के लिए। चलिए 1060 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है 1110 का,
यहां पर आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। इप्का लैब्स हमने देखा कुछ समय पहले आज इसके नंबर्स निकल कर आए हैं, यहां पर कंसो मुनाफा बढ़कर आया, 163 करोड़ के पास का नंबर निकल कर आया है, हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम रहा है। वहीं अगर आय के फ्रंट पर नजर डाली जाए तो ये भी तकरीबन अनुमान के आसपास ही रहा है। इप्का लैब्स, हम फार्मा स्पेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्विकली जैन साहब, ओके, जैन साहब की तो आदत है एक एक घंटे तक उनका नंबर नहीं आता, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। जैन साहब ऑलवेज एंजॉय दिस काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मोमेंट्स। ओके, आइए तब तक मदरसन के नंबर आ चुके हैं, संवर्धना मदरसन, ये नंबर आपके सामने रख लिए जाए। न्याय जी जरा नंबर पढ़िए, मैं अनुमान निकालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सर कंसो मुनाफा 601 करोड़ का रहा है, वाई वाई आधार पर यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो फिलहाल मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, 141 करोड़ से बढ़कर ये 601 करोड़ के पार निकल गया है। कंसो आय यहाँ पर 22,462 करोड़ का यहाँ पर कंसो आय का फिगर आया है, ये भी सालाना आधार पर बढ़ोतरी यहाँ पर दिखी है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 17,654 करोड़ का नंबर था। तो आय, कंसो आय और कंसो प्रॉफिट का नंबर हम यहाँ पर देखें तो बढ़ोतरी बनती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। स्टॉक इस समय हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तर के पास 98 के इर्द-गिर्द फिलहाल ट्रेड करता हुआ सर नजर आ रहा है, तो ये दो फिगर्स निकल कर आए। तो मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है, 470 करोड़ की उम्मीद थी, आया है 601 करोड़, तो बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखाए मदरसन का। और मार्जिन 8.6% है, मार्जिन भी अच्छे, 7.6% की उम्मीद थी, 8.6% आए, तो नंबर अच्छे हैं, मार्जिन के भी नंबर बढ़िया है, तो मुनाफे का और मार्जिन का आंकड़ा बेहतर आपको नजर आएगा। आय आपकी है 22,462 करोड़, ये लगभग उम्मीद के मुताबिक है, थोड़ा सा 300-400 करोड़ कम है, 22,000 करोड़ में 300-400 करोड़ की ज़्यादा वैल्यू है भी नहीं, तो कोई ऐसा टेंशन लीजिए मत। ये है आपके लिए मदरसन के नंबर्स। जैन साहब आपको जो नेहा जी पूछ रहे थे, चाहे तो आप इप्का पे राय दे दें, चाहे मदरसन पे दे दें, चाहे दोनों पे दे दें, और चाहे तो आप दोनों में नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं, नोटा नहीं है, दोनों पे बात करेंगे अनिल जी। बड़ी मुश्किल से नंबर आया आपका। वही जी, ठीक कर लेता हूं मैं 20 मिनट में, 7-8 मिनट के हिसाब से दोनों का जवाब देता हूं मैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल संवर्धन की बात करें, देखिए इसके बारे में पिछली बार भी आपने मुझे पूछा हुआ, उस टाइम पे मैं वैसे गलत पड़ा था, स्टॉक पे मैं जनरली बुलिश नहीं रहता क्योंकि मुझे थोड़े वैल्युएशन थोड़े महंगे लगते हैं स्टॉक के, 42-43 के पी मल्टीपल पे, बट यस रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बट एक तरीके से ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है, मुझे ऐसा लगता है एक नीचे से बहुत बड़ा मूव दे चुका है, मतलब 65-67 के लेवल से आप देखिए हंड्रेड्स के लेवल से पहुंच चुका और वैल्यूएशंस भी महंगे हैं, तो ऐसे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड लग रहे थे, तो मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा मतलब जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना वो डिप्स का इंतजार करना चाहिए, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द ऑटो एंसिलरी सेक्टर, वहां पे मैंने काफी स्टॉक्स दिए भी है और आगे पीछे भी देता रहूंगा। और दूसरा इप्का की अगर बात करें तो इप्का का एक बार रिजल्ट को रिपीट करना पड़ेगा अनिल जी, कि क्या नंबर आया है, तो यहाँ पर आय का अनुमान हमारे मुताबिक ही रहा, 165 करोड़ अनुमानित था, 163 का आया है। आय की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 1590 करोड़ के पास की आय निकल कर आई, और कामकाजी मुनाफा 308 करोड़ का रहा है, मार्जिन भी बढ़कर आया है 19.4%। ये मार्जिन बढ़ना इनके लिए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से मैं देख रहा था इप्का के मार्जिन 24% से लेकर 17% देखा, और अब ये बढ़ के आया, हालांकि ये स्टॉक भी नीचे के लेवल से बहुत अच्छा मूव दिया है, बट अगेन इट वॉज अ बिग अंडर परफॉर्मर, रैंक अंडर परफॉर्मर, और कुछ जब रशिया और इस तरफ होता तो इनके थोड़े टॉप लाइन्स पर इन पे इंपैक्ट पड़ता, बट जो अब यूनिकेम वाली जो सिनर्जी आने वाली है ये बहुत बड़ी सिनर्जी है, और यूएस मार्केट्स में जो इनकी थोड़ी पेट कम है, थोड़ी प्रेजेंस जो कमजोर है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट यूनिकेम से मिलेगा इनको, तो आई फील कि अब सिनर्जीज बनेंगी और रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगर मार्जिन के ऊपर मार्केट की पूरी नजरें बनी हुई है, एंड पिछला क्वार्टर भी अच्छा नहीं गया था इसलिए पिटाई भी हुई है स्टॉक की, तो अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस स्टॉक को बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना है तो वो मतलब 850-900 के रेंज में आता है, तो बिल्कुल इसको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते। ओके, तो दोनों ही यहाँ पर मदरसन और इप्का लैब दोनों में एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करनी, और इप्का लैब फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें, 850-900 ये एक ऑप्टिमम लेवल जेंस आपको लग रहा है। एक बिगुल मेहुल जी के लिए BTSTT का। मेहुल जी बताइए,
गुड आफ्टरनून नेहा जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा जो आज का कॉल है वो सुबह को भी मैंने शायद शेयर किया था, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल इसलिए बिकॉज ओवर द काउंटर जितने भी मैं देख रहा हूँ, ओएमसीज, आईओसी हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, बहुत ही अच्छा करेक्टिव मूव आया है। और आज यहाँ पर एक हार्मोनिक बुलिश हार्मोनिक रिवर्सल पैटर्न भी दिखने को मिला है बीपीसीएल में। रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखे तो बहुत ही अच्छा जोन में है और यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को। निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रेशर भी आ जाए तो भी ये काउंटर संभाल लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर 360 के करीब ट्रेड कर रहा है, 350 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल को बाय करना है। 380 का मेरा पहला टारगेट है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद 400 के लेवल्स भी हमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। एनापुरम है वो एक और स्टॉक जिसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 496 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा, मुनाफे का आंकड़ा हमारी उम्मीद से बेहतर है। हमारा अनुमान था 436 करोड़ का, आया है 496 करोड़ का, दमदार आंकड़ा मुनाफे का आता दिख रहा है। आय का आंकड़ा नेट इंटरेस्ट इनकम 1226 करोड़ का अनुमान था 1228 करोड़, तो ये आंकड़ा भी आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। तो मुनाफे का और नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है। एसेट क्वालिटी वगैरह हम देखेंगे कि किस तरह का रहता है और बाकी डिटेल्स क्या होती है, लेकिन पहली नज़र में मनापुरम मजबूत नतीजे पेश करता हुआ दिख रहा है। मनापुरम के चार्ट पर नज़र डालनी जरूरी है, नंबर्स ठीक नज़र आ रहे हैं। जरा एक बार सुमित जी चार्ट देखकर गौर फरमाइए। अनिल जी, मनप्पुरम में मैं कंप्लायंस इशू की वजह से कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी ग्रुप कंपनीज की ऑडिटर है, तो मनप्पुरम में मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा कमेंट करने के लिए। वाह क्या बात, ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा ओके, बड़ी दूर की रिलेशन निकाली एकदम, लेकिन वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है अगर कहीं कंप्लायंस इशू तो अच्छा किस किस का, अच्छा किस किस का, बाकी किसी का तो होगा नहीं। कौन स्वेच्छा से सुमित जी की मदद करना चाहेगा? मेहुल जी ने, बंसल जी, कुणाल जी, ओह सुमित जी आपकी पॉपुलरिटी तो बहुत है, सिर्फ 3 ही लोग चाहते हैं आपकी मदद नहीं करना बाकी सब लोग मान रहे हैं। अच्छा उसमें से भी एक जैन साहब को तो छोड़ दो, चलो जैन साहब बोल रहे मेरा तो चार्ज का मामला है नहीं, तो बाकी 2 ही लोग नहीं करना चाहते, लेकिन फास्ट से फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं मेहुल जी। मेहुल जी बताइए। अनिल जी देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ब्रेकआउट आया था, कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है, तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन आया मैं समझता हूँ अगर ये 140 के ऊपर सस्टेन रहता है, 140 भी नहीं 137 138 के ऊपर सस्टेन रहता है तो एक मोमेंटम जो है कंटिन्यू होएगा। 160-164 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर 137 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए इस काउंटर को और ऊपर में 160-164 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मनप्पुरम फाइनेंस 164 तक का टारगेट दिखेगा और 137 का लगाना है स्टॉप लॉस। ग्रासिम के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं, और क्या कुछ आ सकता है, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए ग्रासिम के जैसे ज़्यादातर आपको केमिकल कंपनीज और कई सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर आपको दिख रहा है प्रेशर है, तो ग्रासिम में भी आप ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे आपको कमजोर आते हुए दिखेंगे। आय में लगभग 12% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखेगी, कामकाजी मुनाफा लगभग 63% के आसपास की गिरावट आ सकती है। मार्जिन में भी आपको बड़ा कट आता हुआ दिखेगा, 18.2% से गिरकर मार्जिन हो सकता है लगभग 7.6% पर आते हुए दिखे, और इसी के चलते मुनाफे में भी आपको बड़ा कट आता हुआ दिखेगा। अब रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखें जो VSF सेगमेंट है, जो इनका विकोस्टेबल फाइबर सेगमेंट है, वहां पर आय लगभग 13% घटे, तो जो केमिकल सेक्टर केमिकल सेगमेंट में जो है वहां पर आय लगभग 21% के आसपास गिरने का अनुमान है। अब आय तो इतनी गिरेगी पर उसी के साथ साथ आप कामकाजी मुनाफे की अगर आप बात करें तो इन दोनों सेगमेंट में, जहां पर VSF सेगमेंट में कामकाजी मुनाफे में 46% के आसपास की गिरावट आ सकती है, और केमिकल सेगमेंट में जहां पर आपको सभी जगह दिक्कत दिखी रही है तो वहां पर अगर आपको दिखेगा लगभग 64% के आसपास गिरावट आएगी। इसीलिए आपको मार्जिन में भी जो है बड़ा प्रेशर आता हुआ जा रहा है, और कंपनी के जो नए कारोबार है जैसे B2B ई कॉमर्स है उसमें अगर आप देख रहे रिकवरी में अभी भी दबाव है, तो उसके चलते आपको थोड़ा टॉप लाइन में भी वहां पर दबाव दिख रहा है, तो ओवरऑल नतीजे जो है कमजोरी रह सकते हैं। ओके, नंबर्स कमजोर रहने की यहां पर संभावना बनती दिख रही है और इंतजार रहेगा इन नंबर्स का, और लगातार बहुत सारे नंबर्स यहां पर आ भी रहे, लेकिन कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं इन पे जरा फोकस कर लेते हैं आज। FMCG स्पेस, यहां पर हमने दबाव देखा। ITC इस समय दिन के निचले स्तर पर है 450 के पास। राकेश सर, ITC इस समय कोई राय? नया करेक्शन में चल रहा है काफी समय से स्टॉक, और नीचे में देखें तो टेक्निकली मुझे लगता है 450 के अराउंड चल रहा है, नीचे में 440-443 एक अच्छा जोन है, तो 2-3 रुपए नीचे गिरता है तो 440 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ गिरावट में ITC पर खरीदारी की राय होगी। यह आपके लिए राय इस वक्त आती हुई ITC पर। नंबर्स एक और आने की तैयारी में है,
कासिम के नंबर्स आने वाले हैं, आने वाले हैं, हम उनका इंतजार कर आ गए। ये लो, क्या बात है, टाइमिंग देखो, अरमान डिटेल देखे, अरमान बाल बाल बचे हैं, मतलब रह जाते हैं। 355 करोड़ का मुनाफा, वाव क्या बात है, 130 करोड़ का अंदाज था तो बहुत ही बढ़िया। मुनाफे का आंकड़ा जो आया वो मजबूत आता दिखा है, पहली नज़र में जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ग्रासिम का नंबर सबसे पहले आप फ्लैश होते हुए देख रहे हैं जी बिजनेस पर, और नंबर्स बहुत ही मजबूत है। 355 करोड़ का मुनाफा ग्रासिम का आता हुआ दिखा, अनुमान से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आय मार्जिन के आंकड़े भी हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे भी, और कुछ आंकड़ा भी आया नहीं है, खाली मुनाफे का आंकड़ा आया ग्रासिम का, तो 809 करोड़ से घटकर 355 आया, लेकिन 355 साल दर साल, क्योंकि अनुमान था 85% घटेगा, घटा कम है, 130 करोड़ के अनुमान के सामने आया है 355 करोड़ का। एक बार जरा जब तक सारे रिजल्ट्स आए, आय भी आ गई है 6238 करोड़, ये है आय का आंकड़ा, और हमारा अंदाज था 6368 करोड़, यानी कि थोड़ा सा कम आया, 150 करोड़ आय कम आई है, मुनाफा थोड़ा सा बढ़कर आया है। आइए नंबर्स पर एक बार, चार्ट्स पर आए ने कुणाल जी को ही देखने, चार्ट्स, कुणाल जी चार्ट्स देखिए भराइए। अरे जी देखिए, काफ़ी एक बड़ा रनअप हमने ऑलरेडी ग्रासिम में देखा है, और सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस चार्ट पर 1850-1860 के दरमियान है, तो 1850 टू 1860 एक सप्लाई जोन है, और काफ़ी बार पहले इन स्तरों से टकराकर हमने करेक्शन आता हुआ देखा है, तो हालांकि चार्ट मजबूत है लेकिन इन स्तरों के आसपास फिलहाल कोई खरीदारी की राय नहीं है, वेट एंड वॉच करें। अगर ये स्टॉक 1865-1870 के लेवल्स को निकाल जाता है, ब्रेकआउट आता है, तो फिर इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास पहले की पोजिशन है, पुरानी पोजिशन, एक स्टॉप लॉस 1820 पर अवश्य रखें। तो ये है राय आपके लिए ग्रासिम पर आती है। सेठी साहब भी हमारे साथ है तैयार, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। देखो ऐसा है सेठी साहब कि 7-8 बड़े रिजल्ट और आना बाकी है, तो कभी भी हम आपको बीच में रोक सकते हैं, कभी भी हो सकता है मामला गड़बड़ हो जाए, कोई भी रिजल्ट बड़ा आ गया तो, इसलिए क्या जल्दी जल्दी बता दो आप पहले तो, और पहले टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर बता देना। जी सर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा जी। अनिल जी, दो स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 381 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 405 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 370 रुपए का। ये एक भारत की लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। कंपनी मेनली दो सेक्टर्स में काम करती है, एक तो ये जितने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वेल्थ मैनेजर्स है, पेंशन है, इन सबको अपनी सर्विसेज देती है। और दूसरा, ये जो जितने नए कॉर्पोरेट्स या कॉर्पोरेट्स जो आईपीओज और एफपीओज लेके आते हैं, तो उनको भी अपनी सर्विसेज देती है, जिसमें ये फोलियो क्रिएशन, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, फिर आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, कंप्लायंस वगैरह सब कुछ करती है। तो एक दमदार बिजनेस मॉडल है इनका, भारत की सबसे बड़ी इस तरह का काम करने वाली कंपनी है, जो करीबन 300 से ज्यादा फंड्स को सर्विस देती है। और मार्केट शेयर के लिहाज से देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से 46% का मार्केट शेयर है, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिहाज से 37% का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है, और कंपनी करीबन 5000 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज को अपनी सर्विसेज देती है। और ये नेशनल जो पेंशन सिस्टम है उसको रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज के तौर पे काम करती है, और वन ऑफ द थ्री कंपनीज ही है इंडिया में जो ये काम कर रही है, और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग और सिंगापुर, वहां पे भी कई सारे लीडिंग एएमसीज को अपनी सर्विसेज देती है। अब फंडामेंटल्स या फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत ही अच्छे दमदार फाइनेंशियल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्लोज टू 39%, नेट प्रॉफिट मार्जिन से 28% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, फिर डेट इक्विटी रेशियो 0.15, और बहुत ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कैगर है, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है पिछले कुछ सालों में, क्वार्टर्स में, और FISDAs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 31% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, कोटक है, ICICI प्रू है, एक्सिस है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 405, स्टॉप लॉस ऑफ 370। 370 का स्टॉप लॉस, 405 का टारगेट, खरीदारी केफिन टेक्नोलॉजी में सेठी साहब की राय, पहला स्टॉक बताएं सर। दूसरा, थैंक गॉड अनिल जी, दूसरा स्टॉक भी आ गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ, सही बात, थोड़ा सा 5 मिनट पहले आते तो आपके लाइन लग जाती थी, एक के बाद एक रिजल्ट आ जाता, अभी थोड़ा सा मामला 2-4 मिनट के लिए ठंडा है, आप तो बोल ही लो, मेरी स्ट्रेटेजी का पता नहीं।
होपफुली ये भी कंप्लीट हो जाएगा अनिल जी। सर अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है एक मिड कैप आईटी स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो अभी 1052-53 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 1090 के, स्टॉप लॉस रखना है 1040 रुपए का। अनिल जी, ये भी एक जबरदस्त क्वालिटी की मिड कैप आईटी कंपनी है, जो कि प्लेटफॉर्म लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए रिजोपिया नाम का प्लेटफॉर्म है, रिटेल सेक्टर के लिए ब्रिक एंड क्लिक नाम का प्लेटफॉर्म है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक कार्टोपिया नाम का प्लेटफॉर्म है, और ये मेनली यही रिटेल, ट्रेवल, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। इस तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे, इन लाइन विथ अदर मिड कैप आईटी कंपनीज। बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 34%, डेट इक्विटी रेशियो इज मैनेजेबल एट 0.38, और FISDIs भी अराउंड 28% स्टेक ओन करते हैं, और अपनी हिस्सेदारी भी रेगुलर इंटरवल पे या हर क्वार्टर्स बढ़ाते हैं। तो इस तरह की कंपनियां मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 109। सोनाटा है दूसरा स्टॉक जो सिटी साहब की पसंद। सिटी साहब, यू आर लकी, आप बिना किसी इंटरप्शन के आप अपने दोनों स्टॉक पूरा कर पाए, क्योंकि नतीजों का समय है, हम आपको समय पूरा नहीं दे पाए। तो आप ये रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद सर मुझे याद दिलाना किसी शो में, 2-3 मिनट मुझे आपको एक्स्ट्रा देने। उधार रहा, उधार है, उधार। गजब कर रहे हो, पूरा तो बोले हो, फिर भी बोले उधार रहा। सोनाटा पे बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, थोड़ा और बोलना था वैसे। अच्छा, ओके, चलिए, बिल्कुल सर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दो बेहतरीन पिक्स आपकी तरफ से जो आई है, केफिल और सोनाटा। चलिए सर, अब 2:30 बजे की स्ट्रेटजी तैयार है आपकी? यस, रेडी। बिल्कुल सर के लिए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स 182 अंक की स्ट्रेंथ इस समय दिखाई दे रही है, नैसडेक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 100 अंक ऊपर है, और यूरोप के मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 0.5% के आसपास की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सर, क्या करना है? देखिए, क्या मामला ऐसा है नेहा जी कि RBI की पॉलिसी और हमारा मार्केट हमें बढ़ने नहीं देगा और डाउ फ्यूचर हमें घटने नहीं देगा, वे सवाल हाल है। और आज रात को आने वाले आंकड़े, तो आज की टेंशन तो है ही, अभी बचे हुए 1.5 घंटे में न ज़्यादा घटेंगे न ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप वही टुकड़ों में सपोर्ट लेवल पर खरीदिए और टुकड़ों में रुकावट के लेवल पर आप प्रॉफिट बुक करिए। लेवल पहले मैं बता दूँ, फिर डेटा एनालिसिस करूँगा। देखिए, 525-535 पहला लेवल है जहाँ आपको खरीदना है, उसके बाद 465 के आसपास का होता है जो आया नहीं, उसके बाद 435 होता है जो भी आया नहीं, ठीक है। ऊपर में आपको जो प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह है, अब निफ्टी में आप भी आ गए हैं 550, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए ऊपर में 565 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, उसके बाद 600 और 635, इन तीन जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है, क्लियर है। सो अब ऊपर आ रहा है तो लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44525 के आसपास का सपोर्ट जो है जहाँ पर आप रुके हैं, अब इसके बाद सीधा ढंग का सपोर्ट 44275 के आसपास आता है, जो कि दूर है, ना आए तो बेहतर है। ऊपर में आपको 44725 से लेके 875 की रेंज में आता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, टुकड़ों टुकड़ों में करना है। अब मैं डेटा आपको बता देता हूँ, डेटा बताऊँ उसके पहले, लो जी, ओके, इस बीच जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर को NCLT ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, और स्टॉक 6% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा इस वक्त। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त NCLT में, आज फैसला आना था जी सोनी मर्जर को लेकर, और जी सोनी मर्जर को मंजूर कर दिया है इस वक्त आपको, ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ आपके लिए नजर आएगा। तो जी और सोनी का मर्जर मंजूर होता हुआ आपको नजर आएगा, तो बड़ा डेवलपमेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यहाँ पर होता है। काफ़ी लंबे समय से कानूनी पर्चरों में फंसा हुआ ये मामला, फाइनली इस वक्त बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है। और NCLT ने जो भी सारे ऑब्जेक्शंस लिए गए थे अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा इस मर्जर को लेकर, वो सारी की सारी आपत्तियाँ उन्होंने खारिज कर दी है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम डिटेल्स में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले एक राय जैन साहब से ली जाए। जैन साहब, फाइनली इस मर्जर का लंबे समय से इंतज़ार था, अब सारी मंजूरियां मिल, सारी आपत्तियों के बावजूद NCLT ने ग्रीन सिग्नल दिया है, हरी झंडी दी, बताएं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंतजार था और काफी सस्पेंस रहा, और आज भी सुबह से जब टाइम था कि 2:30 बजे के लगभग आएगा, तो वो भी बहुत बड़ा एक तलवार लटकी भी थी। बट यस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज, एंड आई थिंक जो जी एंटरटेनमेंट में जो शेयर होल्डर्स के काफी दिनों से जो पैसे नहीं बन रहे थे या जो लॉस लग रहा था, आई थिंक आज अब सबकी रिकवरी होगी, एंड मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से
ऊपर के लेवल्स 280 के भी क्रॉस करने चाहिए, इतनी पॉजिटिव न्यूज है। ये बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, एक इस डेवलपमेंट पर राय देनी है सुमित जी को भी चार्ट्स के लिहाज से, क्योंकि सुमित जी ने कहा था नहीं करें ढील जल्दी खरीदे झील, समथिंग लाइक दिस। हो सकता है मैंने थोड़ा सा उनकी कविता को इम्प्रूव कर दिया हो, बट भावनाएं तो सुमित जी की ऐसी थी। जी सुमित जी बधाई, पहले तो आपके टारगेट हिट हो गए होंगे। बिल्कुल अनिल जी, धन्यवाद, हिट हो गए। और अनिल जी परसों ही इसके अंदर बाय का व्यू दिया था, जब कहा भी था कि स्टॉक को बाय कर रहा है, स्टॉक में मुझे लग रही है तेजी, इसके लिए ना करे डील बाय करे झील। तो ये स्टॉक का टारगेट हिट हो रहा है अनिल जी, 260 के ऊपर ये और ऊपर का मूव दिखाएगा, 275 रुपए तक के लेवल झील में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। जो ये अनाउंसमेंट आया है इसका मूव 300 रुपए तक का बनना चाहिए, जिस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फिलहाल 275 का पहला टारगेट, और फिर आने वाले दिनों में 300 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ये तो झील में कुछ बड़े टारगेट्स की यहाँ तैयारी, 275 इवेंचुअली 300 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ दिख रही है। अच्छा सर, आप अपनी स्ट्रेटजी दे रहे थे, बाकी रह गए थे। Exactly. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डेटा बने हैं नेहा, वो कह रहे हैं कि 19500 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होगा और 19600 के ऊपर बंद नहीं होगा। अभी जो डेटा बने, 19500 के पुट पर 2 करोड़ शेयर है, 19600 के कॉल्स पर 2.5 करोड़ शेयर है। सो कमोबेश इसी रेंज में कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग आज मिलनी चाहिए, ये आपके लिए। तो बड़ा मूव शायद इस रेंज के बाहर ना आए, अभी तक डेटा यही बता रहे हैं। तो बढ़ने के लिए सपोर्ट आपको कर रहा है डाउ फ्यूचर्स, घटने के लिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी से मूड माहौल खराब है। अब आइए बैंक निफ्टी, 44,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 73 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 44,600-44,700 की रेंज यहाँ पर भी अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है। सो हर एक लेवल पर कॉल राइटिंग भी बनी हुई है, तो 44,800 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो बढ़िया खरीदारी और तेजी बनेगी, शॉर्ट कवर भी वहाँ ट्रिगर होगी, नहीं तो 44,500-44,800 की रेंज में बैंक निफ्टी को भी टाइम पास ही करना है। तो ज़्यादा बड़े मूव इंडेक्स में अब बचे हुए 1.5 घंटे में आएंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। एक ही चीज़ है जो ट्रिगर कर सकती है, 200 अंक ऊपर का आपका डाउ फ्यूचर अगर घटकर 100 पॉइंट रह जाए तो हमारे बाजार जल्दी से घट जाएंगे, और अगर बढ़कर 250-300 हो जाए तो हम थोड़ा और बढ़ेंगे, लेकिन तब भी ट्रेडिंग रेंज को ऊपर पार नहीं कर पाएंगे। तो आज थोड़ा दबाव में रहेंगे ये बात तय है, लेकिन ज़्यादा गिरेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत है बस। ओके चलिए, तो हमारी नजर वहां बनी हुई है। इसी बीच एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताइए। नेहा जी, एक स्टॉक है जिसके कल मार्केट बंद होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, आज सुबह वो स्टॉक ऊपर खुला लेकिन उस हिसाब से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया। अब मुझे लगता है कि जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है, अब शायद नंबर्स के बाद का जो थोड़ा सा वो था वो सेटल होता हुआ नजर आएगा। और ये स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज, जिसमें यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3,880 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3,840 का। और नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में 4,000 के टारगेट्स को पार करता हुआ नजर आएगा, तो पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3,890 के आसपास पीआई इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी। आइए, जी सोनी मर्जर को एनसीएलटी से जो मंजूरी मिली है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और एनसीएलटी ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है ये बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त हैं। ब्रजेश, लोकेशन से हमें बात कर रहे हैं। ब्रजेश बताइए, एग्जैक्टली आज के फैसले में क्या कुछ कहा गया है विस्तार से? एनसीएलटी की बेंच ने कहा कि इस जो स्कीम है उसको मंजूर किया जाता है मर्जर की, और जितने भी ऑब्जेक्शंस किए गए थे बाकी पार्टियों की तरफ से, उन सारे ऑब्जेक्शंस को खारिज किया जाता है। इस पर जो पूरा डिटेल ऑर्डर है वो कल सुबह अपलोड होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो मोटी बात है कि जो भी ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे इस मर्जर को लेकर के सारे ऑब्जेक्शंस को एनसीएलटी ने नकार दिया है। मतलब जो भी बातें कही गई थी कि ये मर्जर नहीं होना चाहिए, जो भी दलीलें दी गई थी जिस किसी भी पक्ष की तरफ से, उन सारी दलीलों को एनसीएलटी ने नकार दिया और कहा कि इस स्कीम का मर्जर, ये जो स्कीम है इस स्कीम को मंजूर किया जाता है। यानी जो जी एंटरटेनमेंट और सोनी का मर्जर का प्रस्ताव था वो जो कंपनी ट्रिब्यूनल की तरफ से मंजूर हो चुका है। जो सारी दलीलें थी, आपत्तियां थी इस मर्जर के विरोध में, वो सारी खारिज हो गई है। तो ब्रजेश, क्या ये समझा जाए कि ये आखिरी एक चुनौती थी इस डील के अटकने की, वो खत्म हो चुकी है, अब डील फाइनली पार है? बिल्कुल, एक तरह से कहें तो जो कहते हैं कि जो प्राइमरी अप्रूवल होता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, वो हो चुका है। लेकिन अगर कोई अपील में जाती है, कोई पार्टी एनसीएलटी के पास जाती है अपील में, तो संभव है कि इसमें वक्त और लगे।
अपील का ऑप्शन अभी भी जो जिन लोगों को भी आपत्ति थी इस स्कीम से वो जा सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी अप्रूवल की प्रोसेस थी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से वो हो चुकी है और अपनी दलीलें जो भी लिखी होंगी कि किन वजहों से जो आपत्तियां हैं वो खारिज की जाती हैं, इस बात पर ज़रूर जो है जो एनसीएलटी है उसमें ध्यान दिया जाएगा कि आखिर एनसीएलटी ने सुनवाई करते समय आपत्तियाँ क्यों खारिज की। तो ये है बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ, अब डिटेल ऑर्डर जब एक बार अपलोड होगा तो और विस्तार से हमें पता चलेगा, लेकिन इस बीच बाजार को ये मर्जर की मंजूरी बेहद पसंद आती हुई दिख रही है। 10% के ऊपरी सर्किट पर अब आ चुका है जी एंटरटेनमेंट, 268.65 रुपये पर सर्किट लगकर ट्रेड करता है। जी एंटरटेनमेंट दिखाएं, निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दें, वो स्टॉक दिखाएं जो ऊपर के सर्किट पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त जी को लेकर आती हुई दिख रही है, सारी आपत्तियां नामंजूर, मर्जर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, यह है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 262 रुपए 50 पैसे, 262.50 का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बायोकॉन। बायोकॉन के अंदर पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल रहे हैं। कल भी स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया, आज भी स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। कल का लो परसों का लो ब्रेक कर चुका है और अभी स्टॉक के अंदर यहां से और प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बायोकॉन पे यहां पे सीएमबी पे बिकवाली करें, स्टॉक के अंदर नीचे में 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। 270 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 270 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 250 का पहला टारगेट, 245 का दूसरा टारगेट, तो बायोकॉन में बिकवाली करें 270 के स्टॉप लॉस से 250 और 245 के टारगेट्स के। कौन में प्रेशर दिख रहा है, 270 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की रिकमेंडेशन सुमित जी की है, 250 तक का टारगेट नीचे दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट बायोकॉन के नंबर्स का है इंतजार। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स, नुपुर बताइए क्या एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं बायोकॉन के, क्योंकि कंपनी ने एक रीसेंट में एक्विजिशन किया था जो आपको बेस में नहीं दिखेगा, उसका इंटीग्रेशन इस क्वार्टर में होते हुए नजर आया। कंपनी की आय अगर देखें तो 62% से बढ़कर 3,470 करोड़ के आसपास आती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 825 करोड़ का हमारा अनुमान है, हालांकि वाईओवाई बेसिस पे पिछले साल के कंपेरिजन में नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मार्जिन 24% के आसपास आ सकते हैं और मुनाफा देखें तो 150 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा, पिछले साल से कम आता हुआ दिखेगा क्योंकि वाइटर्स के एक्विजिशन के चलते कंपनी ने बहुत बड़ा कर्ज लिया जिसके फाइनेंस कॉस्ट इस क्वार्टर में आपको दिखेगी, जिसका इंपैक्ट मुनाफे में इस क्वार्टर में आ सकता है। बायोसिमिलर्स की बात करें तो आय में करीबन 2 गुना की ग्रोथ की उम्मीद है, इनफैक्ट जो सेल्स है वो $252 मिलियन के आसपास बायोसिमिलर्स की सेल्स क्वार्टर वन में आती हुई नजर आएगी। जो जेनेरिक्स का बिजनेस है 23% की ग्रोथ वहां पर भी लेके चल रहे हो, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है जो बेहतरीन प्रदर्शन इस क्वार्टर में कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ आ सकती है, बढ़ते इंटरेस्ट खर्चों के चलते मुनाफे पे दबाव रह सकता है। और सिंजीन जो कंपनी की सब्सिडरी है उसके नतीजे ऑलरेडी अच्छे आए थे तो उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। वाईवाई बेसिस पे नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे क्योंकि वाइटर्स का कंपनी ने एक्विजिशन किया है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए रह सकता है। ओके, चलिए तो एक अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है और डिटेल्स नुपुर ने आपको बताई है, बस इंतजार है इन नंबर्स का। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का, राकेश कुनाल चार्ट कॉर्नर। बताइए सर। नया एक स्टॉक है जो 2 अगस्त को 2975 के अराउंड चल रहा था, नतीजे खराब आए, कमेंट्री पॉजिटिव थी और अनिल जी ने बोला कि गैप डाउन पे लेना चाहिए, गैप डाउन हुआ 2900 पर। तो अनिल जी स्टॉक का नाम याद है आपको, रिजल्ट खराब थे, कमेंट्री अच्छी थी, आपने बड़ा स्ट्रांगली बोला था कि नीचे में लें। अनिल जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी कुछ एनालिसिस में वो लगे हुए हैं, लेकिन आप बताइए कौन सा स्टॉक का नाम है। नहीं, हम तो सोचते थे कि जब आशु जी बोलते हैं तभी अनिल जी एनालिसिस करते हैं। बताइए हमारा नया चार्ट कॉर्नर पिक है टाइटन पर। जिसके अंदर नतीजों के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और अब 2950 के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ है। फॉल्स ब्रेकडाउन हो स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा सकता है, शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का एक कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए नेहा, कमजोर बाजार में भी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। स्टॉक में सिग्निफिकेंट करेक्शन आ चुका है, मेजर सपोर्ट और एक मेजर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से हम इसमें वापस से अपसाइड बनते हुए देख रहे हैं, तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है टाइटन को। आज के डेलो के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, यानी कि 2925 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 3050 का, बड़ा टारगेट है 3050 का, इवेंचुअल टारगेट 3100 का, तो बड़े टारगेट्स के लिए टाइटन में खरीदारी गिराए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी आते हुए, इस पर रणनीति आते हुए देखी थी कल, और टाइटन अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर राकेश कुणाल जी को भी नजर आ रही, 3050 एंड इवेंचुअली 3100 तक का टारगेट यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, और ये काफी हाई फ्लायर स्टॉक भी रहा है इस पूरे साल, हमने देखा है जबरदस्त स्ट्रेंथ इसने अब तक दिखाई है। आइए कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। आज हमने देखा है बैंकिंग स्पेस काफी प्रेशर में रहा है, बैंकिंग फाइनेंस सब में हमने दबाव बनता हुआ देखा है। बैंक ऑफ फाइनेंस इस समय हम देख रहे हैं 2.5% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में भी तकरीबन उतना ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया दोनों पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी इस समय। नहीं, कुछ दिन पहले ही स्टॉक्स के अंदर बाई का व्यू दिया हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर तो लोअर लेवल से खरीदारी का सलाह दिया था। स्टॉक चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 40 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक भी चार्ट्स के ऊपर बढ़िया है, 86-87 ये लेवल जैसे ही निकलेंगे तो 90-95 रुपए तक के लेवल बैंक ऑफ इंडिया में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, छोटा मोटा 2-3 रुपए का अगर डीप आता है तो लोअर लेवल पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 80 और 81 के पास है, 90-95 तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में ऊपर में देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिकमेंडेशन आती हुई, एंड इंसिडेंटली सुमित जी ने ही इसको रेकमेंड किया था, तो होल्ड करने की रिकमेंडेशन फिलहाल यहां पर आती हुई आ रही है। बैंकिंग स्टॉक्स आज प्रेशर में है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी पोजीशन होल्ड करने की रिकमेंडेशन आ रही है। BHEL यहां पर भी हम कुछ प्रेशर देख रहे हैं, 100 के नीचे इस समय ये स्टॉक है और दिन के निचले स्तर के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमांशु जी, कोई रिकमेंडेशन इस समय? नहीं, देखिए नंबर्स के बाद स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन दिखाई थी, और नंबर्स का जब हैंगओवर निकला उसके बाद स्टॉक पिछले 3 दिनों से लोअर लेवल से रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 103 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तब यहां पर फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 3 दिनों की तेजी के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनती हुई आज नजर आई है। मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले 1-2 दिनों में 98 और 102 रुपए की इस रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है। अगर 1-2 दिनों के बाद स्टॉक 103 रुपए के ऊपर निकलता है तब यहां पर एक अच्छी अपमूव बनते हुए नजर आ सकती है। आपके लिए राय बेल पर आइए, सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल रडार पे आया है जो पिछले कुछ दिनों में मैंने इसमें बहुत बार बाय का व्यू दिया था, और स्टॉक में पिछले 1-1.5 महीने में वन वे रैली देखने को मिली थी 350 के लेवल से। अब स्टॉक का भाव चल रहा है 448.50, 448.50 रुपए 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है वीसॉफ्ट। वीसॉफ्ट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वीसॉफ्ट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को भी मिल रहा है, इनिशियल संकेत मिले हैं आज। कल का लो ब्रेक कर रहा है, परसों का लो ब्रेक हो चुका है, स्टॉक यहां से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग अब दिखाना चाहिए। वीसॉफ्ट में यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बनेगा 454-455 के पास का बनेगा, तो 455 के स्टॉप लॉस से वीसॉफ्ट के अंदर यहां पे बिकवाली करें। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 440 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 435 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग टारगेट्स होंगे, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा वीसॉफ्ट में 455 के स्टॉप लॉस से 440 और 435 के टारगेट्स लिए। Okay, तो ये है आपके लिए बिकवाली की राय बिरला सॉफ्टवेयर। सुमित जी कहाँ है? सुमित जी यू शुड बी सॉफ्ट विद बी लेटर। बी लेटर वालों के पीछे पड़े आप तो। बायोकॉन बिरला सॉफ्ट दोनों का अच्छा मैं अभी थोड़ा बिजी था तो कुछ मुझे कोई याद कर रहा था। बंसल जी कुछ याद कर रहे थे आप मुझे, क्या हुआ? अनिल जी, हमने चार्ट कॉर्नर निकाला आपके टाइटन पर, जिसपे नीचे पे आपने खरीदारी की राय दी थी। जब कुछ लोग अनिल जी ट्विटर पे आए भी थे कि नतीजे खराब है, कमेंट्री से क्या होता है अनिल जी, और चला। बट अनिल जी, हमें पता चला आप एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तक जो हमारे विश्वसनीय सूत्र थे उन्होंने बताया था कि आप आशू जी जब बोलते हैं तभी एनालिसिस करते हैं, तो आज अनिल जी पता चला कि आप किसी की भी कॉल पे एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये थे नहीं अनिल जी, मतलब मेरे टाइटन पर कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं टाइटन मेरा है। मैं तो अब तक समझ रहा टाटा का है।
आज पता चला कि मेरी ओनरशिप कहाँ कहाँ कितनी कितनी, मुझे खुद को नहीं पता। बंसल जी वेरी नाइस, थैंक यू टाइटन को मेरा बताने के लिए। बाकी तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करके टाइटन में खरीदारी करने की राय जो दी। और एक और बेहतरीन पिक आ रही है सिद्धार्थ सेदानी साहब की तरफ से। सिद्धार्थ जी लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं, फोन अ फ्रेंड बिगुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा और सभी को। अनिल जी थैंक यू, आपने ये फोन अ फ्रेंड एक्सेप्ट किया जी। अनिल जी ये एक अपडेट भी है और फ्रेश कॉल भी है, और वो कंपनी है जिसके मुनाफे 200% के करीब ग्रो हुए हैं, और ये कंपनी है रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। जी हाँ बिल्कुल, 195% मुनाफों में ग्रोथ वाई हमने देखा है रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। हमारे जो टारगेट थे 500 रुपए के वो तो अचीव हो चुके, अब फ्रेश टारगेट लेके आए हैं और वो है 700 रुपए का। ये लॉन्ग टर्म का 700 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी पे रहेगा 565 का, 565 का। ये SaaS सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन है, SaaS में है, और बहुत सारे बैकएंड सिस्टम्स को होटल की कंपनियों को एयरलाइंस को सपोर्ट करती है बैकएंड सिस्टम में। कुछ एक जो मार्की इनके क्लाइंट्स है, मेक माई ट्रिप, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा एयरलाइंस, ओयो रूम्स, तो ये मुनाफे बहुत दमदार आए, आई भी 80% से ग्रो होके आई, और मैनेजमेंट क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस है 55-58% का, उसको बीट करेंगे, और मार्जिन 17-18% उसको भी बीट करने की योजना है। रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी मजबूत कंपनी, 500 के टारगेट रिवाइज करके 700 कर दिए, और शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे 565 के। ओके, तो रेड गेन ट्रैवल बहुत ही दमदार नतीजा आया, और हमने परसों ही मेरे ख्याल से कल भानु चोपड़ा साहब से बात भी की थी। आपने सुना सिद्धार्थ जी मैंने इंटरव्यू किया था? नहीं अनिल जी, मैं अनफॉर्चुनेटली सुन नहीं पाया हूँ, मैं वो दोबारा फिर से रिवाइंड करके सुनूंगा। हाँ ये ऐसा मिस मत करो, आपका फेवरेट स्टॉक है, मैंने इंटरव्यू किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया उन्होंने, बहुत ही तगड़ा, मतलब रिजल्ट तो अच्छे हैं ही पूरे साल भर के लिए, और अरे क्या गजब कंपनी है, और जो उन्होंने आगे के टारगेट रखे ना। आप सुना सिद्धार्थ जी, सुन के बताना मुझे पक्का। बिल्कुल अनिल जी, कल ही बताऊंगा। लिंक ना मिले तो मुझे बोलना, मेरी टीम भेजेगी। बिल्कुल सर, काम पक्का करवा लेना चाहिए, क्या पता टारगेट आगे रिवाइज हो। हाँ इसीलिए तो सिद्धार्थ जी सुनेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना। अच्छा बंसल जी भी आपको सिद्धार्थ जी कुछ राय सलाह देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। जी बंसल जी बताएं। नहीं अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वो भानु जी जो चटर्जी जी जो आए थे अनिल जी, वो इंडियाना यूनिवर्सिटी से थे आपने बोला था, और देखिए अनिल जी मैं अच्छे से सुनता हूँ, अनलाइक अदर्स अनिल जी, मेरे जो दो मित्र एक खाने में लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं अनिल जी न्यूज़ पर, यूज़ के समय पर मैं बिल्कुल सीट पे बैठ के सुनता हूँ अनिल जी, और ये रेड गेन वाला मुझे याद है, और मैंने प्रूफ भी दिया है इंडियाना यूनिवर्सिटी अनिल जी। मंसल जी इसीलिए आप डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ हमेशा पास होंगे, चिंता न करें। कई बार ऐसा भी होता है बंसल जी, ऐसा नहीं कि अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपन बहुत होशियार है, बाकी लोगों की बहुत ही डिले होते हैं, इसलिए भी अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो दूसरे जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपकी वैल्यू बनी रहेगी इससे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने भी अनिल जी बड़े ध्यान से सुना था, लेकिन अनिल जी आपने नहीं सुना था, मैंने और राकेश जी ने उसी दिन जिस दिन भानु जी आए थे अनिल जी शो पर, उससे पहले ही 10 की कमाई में रेट गेन पर खरीदारी किराए दी थी अनिल जी, तो पहले थी ना, आपको याद दिला दिया। हाँ बिल्कुल पहले थी, मुझे याद आया, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। तो ये है रेट गेन टेक्नोलॉजी लाइफ लाइन यूज करते हुए सिद्धार्थ जी, और अगर आप लोग थोड़ा बोर हो गए मार्केट से, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, जरा आपकी नज़र अपनी टीवी स्क्रीन पर होनी चाहिए। वजह है ये लंबा वीकेंड तो नहीं, थोड़ा सेमी लंबा वीकेंड कह सकते हैं, सोमवार को मार्केट खुले रहेंगे। अच्छा सोमवार को बहुत जगह छुट्टी भी है किसी चीज की, नहीं कोई बैंक हॉलीडे टाइप है कि 16 तारीख को छुट्टी है, 16 को है, अच्छा सोमवार को है, वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को है, किस चीज का है, पारसी न्यूयॉर्क की, हाँ पारसी न्यूयॉर्क, ट्यूजडे को तो 15 अगस्त की छुट्टी है ही है, और बहुत सारे लोग वो मिला भी रहे बीच में, 14 को कर देता, और जिनके स्कूल अलग है, मार्केट नहीं बंद है भाई, ध्यान रखना 16 अगस्त को मार्केट खुले हैं, तो मार्केट की छुट्टी 15 अगस्त की है, 14 अगस्त को मार्केट, तो लेकिन जो बहुत सारे वीकेंड है ना, एक दिन की छुट्टी में 5 दिन का वीकेंड भी हो रहा है काफ़ी लोग, मंडे ऐड करके स्कूल टाइप वाले जो लोग हैं, या जो जिनके गवर्नमेंट जॉब्स में छुट्टियाँ होती है, और इसी हिसाब से एक ये लंबा वीकेंड माना जा रहा है। इस लंबे वीकेंड में जैन साहब सुनिएगा, बहुत सारी पिक्चरें आ रही है, हाउसफुल हो रहा है ये लंबा वीकेंड, तो जरा क्या क्या होने वाला है इस वीकेंड पे, नूपुर पूरी डिटेल्स लेकर तैयार है, नूपुर जी बताइए।
बिल्कुल सर, वैसे आज भी कई जगह छुट्टी है। आज किसकी? बैंगलोर और चेन्नई में आज काफी सारे ऑफिसेस बंद है। क्यों? क्योंकि आज एक मूवी रिलीज हुई है रजनीकांत साहब की जेलर, जेलर, उसके लिए छुट्टी दी गई है। तो यहाँ नहीं हुई रिलीज? वो यहाँ भी हुई है लेकिन हर छुट्टी क्यों नहीं? टिकट विकेट भी दी है शायद। आप छुट्टी मांगी क्यों नहीं मुझसे? सर बस मांगने वाले हो अभी सर, आधा घंटे बाद। पहले आप ये लिंक करके भी जा सकती हो, जब मांगी तभी दे देते हम तो। ये बताइए। बिल्कुल सर, आज रिलीज हुई है जेलर और काफी एक्साइटमेंट है मूवी को लेके। एक्शन मूवी है, बैंगलोर चेन्नई में काफी सारे ऑफिसेज बंद है। इनफैक्ट जो रेट है वो भी 800 से 1400 रुपए तक की टिकट जा रही है। इनफैक्ट काफी सारे ऑफिसेज ने फ्री टिकट भी दी है, तो एक एक्साइटमेंट इस मूवी को लेके बना हुआ। लगभग 200 करोड़ में मूवी को बनाया गया है। तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों ही लैंग्वेज में इसे रिलीज भी किया है। इसके अलावा कोई बात नहीं, अगर आपकी आज छुट्टी नहीं है तो लॉन्ग वीकेंड तो रहा है, उसके पहले भी काफी सारी मूवीज रिलीज होने वाली है। बड़े नाम अगर मैं बताऊं आपको तो गदर 2 और OMG 2 दोनों ही मूवीज ये वीकेंड कल रिलीज हो जाएगी। पहले दिन का एस्टिमेटेड कलेक्शन भी हमने निकाला है, जिसमें जेलर का 25 से 30 करोड़ के आसपास आ रहा है। गदर 2 की भी बात करें तो यहाँ पे 10 करोड़ और OMG हालांकि थोड़ी सी पीछे, लेकिन 2 करोड़ का यहाँ पर भी एस्टिमेट लेके चल रहे हैं पहले दिन का। ओपनहाइमर भी ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, 105 करोड़ और बाबी की भी बात करें तो 40 करोड़ की कमाई यहाँ पे PVR को आती हुई दिखी है इन दोनों मूवीज से भी। इनफैक्ट रानी और रॉकी और रानी जो सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पे निकला है, 13 दिनों में 117 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने भी किया। तो सरप्राइज एलिमेंट था, एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आई है। और इनफैक्ट PVR के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जुलाई में जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो 70% से बढ़ के 80% हो गए, और एडवर्टाइजिंग अभी आप देखें तो सिर्फ 15-20% नीचे है प्री कोविड लेवल से, और इन्वेंट्री लेवल्स भी अब 90% पहुंच गए। तो काफ़ी पॉजिटिव है PVR के लिए। और सरप्राइज एलिमेंट है कि बॉलीवुड की मूवीज़ को भी अब रेस्पॉन्स वापस से मिलने लगा है। ओके, तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला वीकेंड। आपको छुट्टी चीन आप जा रहे हैं ना पिक्चर देखने जेलर? हाँ सर, छुट्टी है तो कल छुट्टी है तो मैं लेट नाइट, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे पास में फिनिक्स मिल्स में। सर लेट नाइट ले लेती हूँ तो कल ऑफ हो जाएगा। तमिल में 2-3 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो आप लेके बैठ, यहाँ तमिल में रिलीज हुई है, हिंदी में नहीं है। जाना है अभी? नहीं नहीं सर, पता चला उसके बाद वीकेंड तक समझने में टाइम लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए लंबा वीकेंड, बहुत सारी मूवीज रिलीज होती दिख रही है। डिसाइड तो बंसल जी करेंगे कि करना क्या है। जी बंसल जी। अनिल जी, जेलर तो उसमें रिलीज हुई है तमिल पे, अनिल जी तो वो तो देख नहीं सकते। अनिल जी आप इंग्लिश मूवी भी सबटाइटल में देखो, तमिल मूवी भी सबटाइटल में देखो तो अपने को नहीं जमता। अनिल जी आप तो सुनो बंसल जी, आप तो इसको भी इंग्लिश की तरह देखो ना, जितनी इंग्लिश समझ में आती है उतनी ये भी आ जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? अनिल जी तभी तो बोला इंग्लिश को भी सबटाइटल में देख रहे हैं, इसको भी सबटाइटल में देख रहे हैं तो मजा नहीं है अनिल जी। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए PVR के लिए अच्छी खबरें भी, और वीकेंड पर रहेगा भरपूर एक्शन भी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इससे मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया, अनिल जी आपको पसंद आएगा। अनिल जी देखिए, अब जैसे फिल्म आई है उसके लिए छुट्टी दे रहे हैं, अनिल जी एक दिन ऐसा भी आएगा अनिल जी जी बिजनेस देखने के लिए भी ऑफिसेज में आधे घंटे की छुट्टी होगी, कि सुबह आपकी ओपनिंग कमेंट्री सुबह 8 बजे सुन रहे व्यक्ति उसका दिन बन जाएगा। तो अनिल जी आधा घंटा सवेरे अनिल जी ऑफिसेज में भी ब्रेक मिलना चाहिए अनिल जी जी बिजनेस देखने के लिए। मैंने तो कमेंट्री का टाइम इसलिए रखा 8 बजे, आमतौर पर 8 बजे ऑफिस कम खुलते हैं, बहुत ही कम, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के खुल जाए तो अलग बात है, MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, बट हमारा तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर आधा घंटा देखने से थोड़े बहुत मदद मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने में, ट्रेडिंग करने में, तो अच्छी बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए इस वीकेंड का बड़ा एक्शन आता हुआ। दाउ फ्यूचर्स मजबूत 200 अंक ऊपर की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। इंडसइंड बैंक इस समय हम देख रहे हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स में, दूसरे पायदान पे डेज हाई पर है, 1427 के पास इस समय ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंसल सर, इंडसइंड बैंक इस समय कोई सलाह? नया इंडसइंड बैंक का देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है यहाँ 14, 18, 14, 19 के एक नेकलाइन को भी स्टॉक ने तोड़ा है। तो नया यहाँ पे खरीदारी की राय है 14, 10 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 14, 40 पहला टारगेट है,
और 1440 1441 की हर्डल निकलती है तब यहाँ पर 1458 1460 की लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो स्ट्रेंथ की संभावना यहाँ पर दिख रही है जो स्टॉक को 1460 तक भी ऊपर लेकर जा सकती है। लेकिन आज आने वाले हैं कॉन्कॉर के नतीजे कैसे रह सकते हैं, आइए वरुण से जानते हैं। वरुण बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ ग्रेट नंबर्स नहीं होंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप के नंबर्स आपको कॉन्कॉर की तरफ से देखने मिल सकते हैं। देखिए इस कंपनी के वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जो फ्रेट वॉल्यूम्स है वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन इस कंपनी के साथ दिक्कत ये थी कि खासकर मुंद्रा और पिपावा पोर्ट में मार्केट शेयर ये कंपनी लूज कर रही थी और उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अपने प्राइजेस जो है ये घटाते जा रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के मार्जिन पर देखने मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि आय में 4.7% के आसपास की ग्रोथ होगी, 2072 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन 23.9% से गिर के करीब 23% के आसपास आ सकते हैं, यानी कि करीब 0.25% के आसपास कंपनी के मार्जिन जो है वो गिरेंगे और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के मुनाफे में भी होगा, जहां महज 2% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है, 291 करोड़ से बढ़ के 296 करोड़ पे आएगा। तो फ्रेट मूवमेंट ठीक ठाक है, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मार्जिन पर कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो उसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन जो है कंपनी के दबाव में रह सकते हैं। ओके, तो कॉन्कॉर के जो मार्जिन्स हैं लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार आईवी हाउसिंग पर भी नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर दिन के निचले स्तर पर 2.5% की यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। वागले सर, आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन इस समय? वागले सर, ये सवाल आपके लिए था, आईवी हाउसिंग। नया जी, इसमें मुझे लगता है 160 के नीचे ही इसको बेचना चाहिए, ऊपर में 170 इतनी इजीली क्रॉस नहीं करेगा। ये 160 टू 170 ये रेंज में है, काफ़ी चला है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बेचना है तो 160 के नीचे, लेना नहीं है ये लेवल। ओके, तो ये है आईवी हाउसिंग, यहाँ पर आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको नजर आएगी। आइए अपोलो हॉस्पिटल, कल आएंगे रिजल्ट, अनुमान जान लेते हैं। नेहा हमारे साथ, नूपुर हमारे साथ तैयार है इस वक्त बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, मिले जुले नतीजे रह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के। कंपनी की आए तो करीबन 16% से बढ़ के 4410 करोड़ का हमारा अनुमान है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 4% की ग्रोथ लेके चल रहे, 509 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगी। मार्जिन हालांकि 13% के मार्जिन से 11.5% के मार्जिन होते हुए नजर आएंगे, तो थोड़े ऑपरेशनली यहाँ पे कमजोरी आपको आती हुई नजर आ सकती है। और मुनाफे में अगर देखें तो बेस में 155 करोड़ का डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है, जिसके चलते बेस काफ़ी हाई है, उसके सामने 185 करोड़ का मुनाफा इसको क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। हॉस्पिटल कारोबार में 11% की ग्रोथ लेके चल रहे, लेकिन ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो 70% के हुआ करते हैं वो कम होके इस बार 62-63% के आसपास आ सकते हैं। फार्मेसी सेगमेंट में 22% की ग्रोथ लेके चल रहे, कंपनी स्टोर एक्सपेंशन कर रही है 24/7 का, तो उसका भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑनलाइन कारोबार जो है अपोलो 24/7 का, उसमें ऑपरेशनल लेवल पे अभी भी घाटे लगातार आते हुए नजर आएंगे आपको। ऑनलाइन कारोबार से जुड़े जितने भी एडवर्टाइजिंग खर्चे उस पर नजर रहने वाली है, और मैनेजमेंट की इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर भी रहेगी नजर। तो एक मिला जुला क्वार्टर अपोलो हॉस्पिटल के लिए रह सकता है। ऑलराइट, इसी बीच इनफैक्ट नंबर्स आने से पहले अपोलो हॉस्पिटल हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तर के पास है, 4900 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सर, इस समय कोई राय होगी अपोलो हॉस्पिटल में? देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा, मुझे लगता है कि स्टॉक में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक ब्रेकडाउन भी चार्ट पर आया, तो मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट देखने को संभव है, यानी कि स्टॉक में आपको एक 4800 तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय है, कोई खरीदारी का ट्रिगर नहीं है। 4800 के आसपास अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, वापस से कोई बाय सिग्नल आता है, तो फिर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ओके, कोटक बैंक ये भी दिन के निचले स्तर के पास है और खासी पिटाई होती हुई दिख रही है, निफ्टी लूजर्स की पायदान पे तीसरे नंबर पे इस बार दिखाई दे रहा है। सुमित जी, कोटक बैंक इस समय कोई राय? कोटक बैंक में पिछले कुछ दिनों में ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, स्टॉक ने वीकनेस दिखाया है, लेकिन स्टॉक का नीचे में सपोर्ट भी है, 1780-1800 ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही घूम रहा है। 1800 के आसपास जब तक ये होल्ड करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 1800 का लेवल अगर टूटा तो 1750 तक के मूव कोटक बैंक में देखने को मिलेगा, और लेवल नहीं टूटे यहाँ से घूम गया तो 1830 के बाद इसके अंदर मूव ऊपर का शुरुआत होगा, तो फ्रेश बाइंग 1830 के ऊपर करना है या फिर नीचे में 1740-1750 के पास करना है। अभी इसको अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें,
जिस तरह ये मूव आएगा उसके बाद इसके अंदर ट्रेड लेना है। ओके, तो ये राय आपके लिए कोटक बैंक में। आइए बढ़ते आगे और बिगुल की रिक्वायरमेंट तो आई, कैश का ऑप्शन चेटक कर तैयार है बिगुल। जय जी बताइए जी। जय, एक तो जय का नंबर वैसे इतना देर से आता है और उसके बाद भी चले जाते हैं वापस। ओके, ONGC ये है वो स्टॉक जो लगातार रिकमेंडेशन में आता हुआ दिख रहा है। बंसल जी ने आज सुबह सुबह ही रिकमेंड किया है, उसके बाद बाकी लोगों की लिस्ट में भी आया है। तो जब सब लोग इतने बुलिश हो रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसके नतीजों का अनुमान आपको बताया जाए। कल आने वाले हैं रिजल्ट्स और तैयार है वरुण। वरुण बताइए। तो नतीजे अनिल जी ठीक ठाक रहने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। इनफैक्ट ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे ही रहेंगे। नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो आय में करीब 9% की गिरावट का अनुमान है, लेकिन एबिटा 9% बढ़ेगा। इसके चलते मार्जिन जो है 45% से बढ़ के 54% के आसपास आ सकते हैं। और पिछले बार इसी क्वार्टर में कंपनी ने करीब 250 करोड़ के आसपास का घाटा किया था, इस बार 10,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी करेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर में करीब 9,200 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ था, जिसके कारण कंपनी ने ये घाटा पेश किया था। इस बार वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कंपनी को इस बार मुनाफा होने वाला है। रियलाइजेशन थोड़े बहुत घट सकते हैं। ओवरऑल सेल्स नंबर्स जो है, जो कुल कच्चे तेल की बिक्री जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान है। हालांकि नेचुरल गैस की जो सेल्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। अब ये मार्जिन्स क्यों बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा इसके पहले जो क्वार्टर्स थे वहाँ पे आपको लगातार विंडफॉल गेन टैक्स देखने मिल रहा था, लेकिन जो पिछला क्वार्टर था उसमें काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो जीरो भी था। तो इसका फ़ायदा भी जो है कंपनी को मिलेगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो मार्केट जो मार्जिन्स है उसमें थोड़ा सुधार होगा, लेकिन सेल जो है खासकर कच्चे तेल की थोड़ी बहुत गिरी है, उसके चलते रेवेन्यूज थोड़े गिरेंगे। तो ऑपरेशनली अच्छा, रेवेन्यूज थोड़े गिरावट वाले। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त नतीजों के लिहाज से ONGC पर। आइए बिगुल तो बजी चुका है लेकिन जय से कनेक्ट नहीं हो पाए। अब जय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय बताएं कैश का ऑप्शन। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। अनिल जी मॉर्निंग में 19,500 का कॉल दिया था एंड उसमें अनिल जी फर्स्ट टारगेट हासिल हो चुके थे RBI पॉलिसी के बाद अनिल जी एंड में। और अब जो दे रहा हूँ अनिल जी वो है निफ्टी का 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 83 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है, 17 अगस्त की एक्सपायरी का है अनिल जी, इसको खरीदे 83 पर। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए अनिल जी 41 का, टारगेट सुपर में जो रहेगा दैट कुड बी 125 एंड 160, 125-160 ये दो टारगेट्स के लिए 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे अनिल जी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि यू नो यहाँ पे 19,450 से 500 की जो रेंज है निफ्टी के लिए, ये बाउंस बैक में इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड आउट करती है जब तक इसके ऊपर निफ्टी यू नो है, तब तक है चांस फिर से 19,650 से 19,700 तक के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं, लगभग 100-150 पॉइंट का फर्दर बाउंस। बट ये रेंज ओवरऑल है 700 से लेकर 450 के अनिल जी, और मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ लोअर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट हुआ है तो फिर से अपर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट हो सकता है। ओके, चलिए तो निफ्टी 19,600 की कॉल 83 के पास लेनी है। याद रखिएगा 17 अगस्त की एक्सपायरी की है, 41 का स्टॉप लॉस, 125-160 तक का अपसाइड टारगेट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए एक बिगुल वागले सर के लिए, वागले का बंडर। जी वागले सर बताइए। BTST करना इंडसइंड बैंक में 1435 का करंट भाव है, मुझे लगता है 1460 तक जाने के लिए तैयार है। कल या नहीं रहता है तो परसों तक, दो दिन का व्यू है। मुझे लगता है क्लियर कट ब्रेकआउट 1425 के लेवल के पार निकलने के बाद हुआ है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1420 का और 1455-1460 तक के अपसाइड में देख रहा है। ये राय है इंडसइंड बैंक पर आपके लिए खरीदारी करने की राय, लेकिन इंडसइंड बैंक के साथ साथ एक और बैंक है जिस पर करना है आपको फोकस, और वह सिटी यूनियन बैंक। इसके भी आने वाले हैं रिजल्ट्स, आएंगे कल, अनुमान है आज। वरुण के पास, वरुण बताइए। तो अनिल जी सेक्टर में अगर सबसे कमजोर नतीजे किसी के रहेंगे तो शायद वो सिटी यूनियन बैंक के रहने वाले हैं। हाँ, तो अनुमान तो एटलीस्ट यही कह रहा है। हमारा अनुमान है NII करीब
2.8% के आसपास की गिरावट होगी, 525 करोड़ से गिर के 510 करोड़ पे आएगा। मुनाफे में 10% की गिरावट होगी, 225 करोड़ से गिर के 202 करोड़ पे आने वाला है। अब ये इसके लिए है क्योंकि जो लोन ग्रोथ आपने इंडस्ट्री में देखी 15% 18% 20% के आसपास की, उसके मुकाबले सिटी यूनियन बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो महज 5 से 8% के आसपास रहने वाली है। डिपॉजिट ग्रोथ भी आपने 15% से ज़्यादा की ज़्यादातर बैंक्स में देखी, यहाँ पे केवल 8 से 10% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो ही होने वाली है। ज़्यादातर बैंक्स में हमने देखा कहीं 10 कहीं 15 बेसिस पॉइंट के आसपास के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट का अनुमान था, कुछ में उससे ज़्यादा गिरावट देखने मिली मिड साइज बैंक्स में, और यहाँ तो अनुमान ही 20 से 30 बेसिस पॉइंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट का है। अगर अनुमान ही इतना है तो शायद यहाँ पे गिरावट और भी हो सकती है। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ज़्यादातर बैंक्स में आपने ट्रेजरी गेन देखा, यहाँ पे ट्रेजरी लॉस भी हो सकता है, और इसी के लिए कंपनी के नतीजे जो है वो कमज़ोर रहने वाले हैं। ओके, तो कमजोर नतीजों का अनुमान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां तक सिटी यूनियन बैंक का सवाल है। एक बार मेटल स्पेस पे नजर डाल लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कुछ मिक्स बैग है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर प्रेशर कुछ ज्यादा ही गहराता हुआ नजर आया है। 2.5% की कमजोरी इस समय यहाँ नजर आ रही है। हिमांशु जी, हिंदुस्तान कॉपर इस समय कोई सलाह? अपमूव बहुत शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिला था, और मुझे लगता है उस बड़े गेन के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, शॉर्ट करने लायक स्टॉक नहीं है ये फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई 3 से 4 रुपए का डिप और मिलता है 145 144 के आसपास, तो उन लेवल्स पे वापस से इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ओके, इसी बीच हमने देखा ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया, 6.5% की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। सर ने आज उस पर सेल की भी रिकमेंडेशन सर दी थी आपने, और हमने देखा है कि यहाँ पर खासा प्रेशर स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छे खासे प्रेशर के साथ इस समय ग्रैन्यूल्स इंडिया भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्विक चेक सुमित जी से ले लेते हैं। सुमित जी, जिस तरह का प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है, क्या कोई फ्रेश शॉर्ट्स अपनाए जा सकते हैं या अभी आप वेट एंड वॉच करेंगे? लॉन्ग तो बिल्कुल अवॉइड करना है, शॉर्ट्स बिल्कुल किए जा सकते हैं। 300 का लेवल टूटने पे इसके अंदर 290 रुपए से लेके 285 रुपए तक के लेवल ग्रेन्यूल्स में देखने को मिल सकते हैं, और जिन्होंने भी सेल का व्यू लिया है वो लोग ट्रेलिंग सपोर्ट लगाए 306 रुपए 307 रुपए के पास, 307 के ट्रेलिंग सपोर्ट के साथ पोजिशन होल्ड करें। 300 का लेवल टूटने के बाद गिरावट और बढ़ेगी, और 290 से 285 रुपए तक के लेवल ग्रेन्यूल्स में फिर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्रैन्यूल्स में और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट्स के मौके अभी भी यहाँ से बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच केआरबीएल यहाँ पर बायबैक को मंजूरी मिल गई है 500 के भाव पर यहाँ पर। ओके, वो डिटेल आती हुई बायबैक को बोर्ड की मंजूरी मिल गई, हम इस खबर को सुबह भी ट्रैक कर रहे थे, स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट में ये था। तो फिलहाल हम देख रहे हैं केआरबीएल यहाँ पर कुछ स्पाइक आता हुआ, 4.25% की स्ट्रेंथ इस समय यहां पर नजर आ रही है, और टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक को यहां मंजूरी मिलती हुई फिलहाल केआरबीएल में नजर आ रही है। जिस तरह की स्ट्रेंथ यहां पर दिख रही है, एक पिक्चर यहां पर ले लेते हैं। कुणाल जी, केआरबीएल सर इस समय कोई सलाह? देखिए, बहुत ही बेहतरीन अपमूव हमने इसमें देखा है नेहा पिछले कुछ दिनों में, और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट पर बना है। मुझे चार्ट अभी भी काफ़ी मजबूत लगता है। एक माइनर सा कंजेशन है जो कि 418-420 के आसपास है, 420 के लेवल स्टॉक निकाल जाता है तो इसमें फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा जो स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकता है। पैटर्न बहुत दमदार है, तो मेरी राय में जिनके पास पोजिशन है वो बने रहें, 420 के ऊपर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ बैन से बेनिफिट का समय हो गया है। बिगुल, बताइए आशीष, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, काफी सारे बदलाव होने वाले और लिस्ट भी इतनी लंबी हो जाएगी कि याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 स्टॉक है आपके पास फिलहाल बैन में। पहले ये बताता हूँ आपको, देखिए चंबल फर्टिलाइजर 101% है, डेल्टा कॉपर 96% के करीब, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 93%, हिंदुस्तान कॉपर 89% और बलरामपुर चीनी है 86-87%। तो ये जो 5 स्टॉक जो बैन में आपको फिलहाल दिख रहे हैं, ये बैन में बने रहेंगे, इनमें से कोई भी बाहर नहीं आ रहा क्योंकि किसी की भी पोजिशन फिलहाल 80% से नीचे नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर 95% से ऊपर की पोजिशन देखने को मिल रही है। सबसे पहला नाम आता है, बहुत ही स्वाभाविक है, सबने गेस कर ही लिया होगा, सर आईबुल तो हमारे पास ऑलरेडी है, आज का स्टार जी सर आना ही है, जी तो आ जाएगा। बड़ी तेजी आई है सर, यहाँ पर 116% है मार्केट वेट, तो आ गया, पक्का आ गया। डन, मणप्पुरम 99, ये भी आने के चांस पूरे हैं। कैनफिन होम 99, कैनफिन होम को क्या हुआ, ये क्यों आज बढ़िया भाई?
यहाँ पर काफी पोजीशन बढ़ी, कल 88% थी सर, आज 99% करीब आ गई है, और साथ में ग्रैनुल्स है 97%। ग्रैनुल हो सकता है कि थोड़ा सा डाइसी है, आए ना आए, लेकिन बाकी के तो देखिए जी एंटरटेनमेंट, मनुपुरम जाएंगे, बाकी दो थोड़े डाइसी है। ठीक बात है, ओके, बाहर तो कोई आने वाला है नहीं, मतलब आई थिंक आशीष आपके लिए ये सीरीज काफी अच्छी रही है, बढ़िया सीरीज रही है सर, फुल एक्शन में है। यस सर, रोज एक ने कोई ऐसा दिन एक भी गया जिस दिन आपने लिंक ने किया? एक भी दिन नहीं गया सर, टच वुड। अच्छा, छुट्टी पे था तब भी किया आपने? तब कुशल ने कर लिया। मैं वही बता रही कोशिश कर रहा, मतलब ऐसा नहीं कि आप इस सीरीज में छुट्टी पे नहीं थे। तो जिस दिन, हाँ जिस दिन ऑफिस में थे उस दिन जरूर किया। बिल्कुल सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आशीष। आइए 320 वाली स्ट्रेटजी पर फोकस कर लें। जी सर जी, चलिए तो सर के 320 की स्ट्रेटजी का समय हो गया है। बिल्कुल, सर डाउ फ्यूचर्स अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी, 180 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां पे नजर आ रही है। नैसडैक फ्यूचर्स भी वहीं पे है सर, स्ट्रेंथ यहां पर भी है 100 पॉइंट्स की, और यूरोप भी देखे तो सर ठीक ठाक ही है, यहां पर आधे 1% की स्ट्रेंथ बनी हुई है। सर एक बार कच्चे तेल पर नजर डाल लेते हैं, कच्चा तेल आज ब्रेंट ने $88 के दर्शन किए हैं और साल के उच्चतम स्तर के पास, और नाइमेक्स क्रूड भी 9 महीने की ऊंचाई पर है। और सर रुपए में हालांकि एक डेवलपमेंट है और ये पॉजिटिव साइड में है, खुला था नेगेटिव टेरिटरी में, ऑलमोस्ट 10 पैसे की यहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है, रिकवरी आई है। ओके, तो ये है आपके लिए संकेत, और इन संकेतों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, पहला तो ये कि डाउ फ्यूचर्स पौने 200 अंक ऊपर है, और दूसरा ये कि आज रात अमेरिका में आने वाले हैं, वहाँ की महंगाई के आंकड़े 3.3% रहेगा, 3% से बढ़कर आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आज अमेरिकी बाजारों की दिशा दशा तय करेगी, और आज हमारी पॉलिसी आ चुकी है और हमारी एक्सपायरी भी हो जाएगी, तो कल हम सुबह फ्रेश मूड से आएंगे बाजार में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो थोड़ी खरीदारी यहाँ करनी चाहिए। ओके, हाँ, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी काट लेने चाहिए। okay. एक ही कंडीशन पे 19,535 पे आप एक ही कंडीशन पे खरीदेंगे कि अगर नीचे में कल 19,435 में जाता हूँ थोड़ा हम और ऐड करेंगे। okay. वो अगर आपकी हिम्मत है तो, और अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो 25-50 नीचे खुले तो फिर मैं, मुझे डर लगता है, तो फिर कल देख लें, क्योंकि आज अमेरिका में बड़ा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है किसी भी तरफ, अगर समझो नंबर महंगाई के खराब आ गए तो फिर बात बिगड़ भी सकती है। तो अगर रिस्क कम रखनी है तो आज नया ट्रेड कुछ भी ना करें, जो ट्रेड आपका निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन का है 19,400 का पुट खरीद के रखें, शॉर्ट है तो 19,700 का कॉल खरीद के रखें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,500 पर बंद हो रहा है, क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी तो हो नहीं रही, लेकिन 44,500 का ही हमने स्टॉप लॉस दिया है क्लोजिंग का, करेक्ट, बिल्कुल उसके ऊपर बंद हो रहा है, तो आज तो आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है, एक दिन और इंतजार कर सकते हैं, फिर भी सेफर साइड पर 44,300 का पुट रख लें ताकि आपकी हेजिंग हो, और अगर आप शॉर्ट साइड पर हैं तो वैसे तो आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 44,700 या 44,800 का एक कॉल ले लेना चाहिए ताकि आपकी रिस्क कम रहे। जी ठीक है, चलिए तो ये सलाह आती हुई। यहाँ पर जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताइए। बिल्कुल नया, देखिए यहाँ पे आज बैंकिंग स्टॉक्स में हमें बिकवाली देखने मिली है, प्रेशर देखने मिला है, बट इंडसइंड बैंक में एक अच्छा रिवर्सल है, इनफैक्ट यहाँ पे तो नो क्लियर कट ब्रेकआउट है, इसका 1440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे जो अभी आपको मिलेगा 31 रुपये के आसपास, 31 के आसपास इंडसइंड बैंक का 1440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो रखना होगा नया, दैट वुड बी एट 23 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाए, एंड टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहा है दैट इज़ 44 and 52, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडसइंड बैंक एक क्लियर अपट्रेंड में है ही, एंड यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, सो इट्स गोइंग टू आउट परफॉर्म द बैंक निफ्टी। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ और काफी भरोसा इंडसइंड बैंक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1440 की कॉल 31 रुपए के पास लेनी है, 23 का स्टॉप लॉस, 44 और 52 तक का यहाँ टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल एनएमडीसी के नंबर्स आने वाले हैं, क्या स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है? आशीष के पास है डिटेल्स, आशीष बताइए। ठीक है, थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि दरअसल तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो मांग बहुत बढ़िया देखने को मिली, इसके चलते आप देखें कि रेवेन्यू का आंकड़ा तो ठीक ठाक है, हालांकि कंपेरेटिव करेंगे पिछले साल के मुकाबले तो यहां पर भी डी ग्रोथ है 11% की, लेकिन टॉप लाइन ठीक ठाक आई है 3,368 करोड़ के आसपास की। लेकिन कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो जो कीमतें घटी हैं इसका इम्पैक्ट है, जो एबिटा है इसमें 21% की गिरावट देखने को मिलेगी, और मार्जिन भी करीब 3% तक घट सकते हैं, यानी 23% से घटकर 20% का एस्टिमेट जो है बाजार लगाकर चल रहा है। मुनाफे में भी अगर आप देखें तो
यहाँ पर 37% की गिरावट है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी, मैं नंबर आपको नालको के बता दिए, ये एनएमडीसी के नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, एनएमडीसी का भी बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर जो है एक्सपेक्टेड है। एनएमडीसी की बात की जाएगी तो यहाँ पर मुनाफे में जो है आपको फ्लैट अनुमान है, 1.5% के आसपास की जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो मार्जिन्स हैं ये 40% से घटकर जो मार्जिन हैं 36% के देखने को मिल सकते हैं। और कामकाजी मुनाफा भी बिल्कुल सपाट देखने को मिलेगा, 1900 करोड़ के आसपास। और टोटल आय में भी 11% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही फ्लैट नंबर है, बिक्री और मांग अच्छी हुई है, इसके चलते एनएमडीसी के जो नतीजे आएंगे फ्लैट देखने को मिलेंगे, मुनाफा जो है 1448 करोड़ का एस्टिमेट है। ओके, चलिए एनएमडीसी पर वो राय, वो प्रीव्यू आता हुआ, नंबर्स कल आएंगे और ये पूरा पसंद आया था एनएमडीसी आज किसी को, तो एनएमडीसी पे आज रिकमेंडेशन की शुरुआत में आई थी। हाँ करेक्ट, मुझे अभी भी पसंद है ना, मूड बदला तो नहीं? नहीं एनर्जी चार्ट्स के ऊपर स्टॉक बढ़िया ही है। हाँ। कोई भी अगर डिप आता है तो इसमें खरीदारी करना है, स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव भी दिखाना चाहिए। ओके, चलिए तो एनएमडीसी में अभी भी जो खरीदारी की राय है वो बरकरार है, कल नंबर्स आएंगे और फिर उसके बाद कुछ एक्शन और यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन कल आने वाले हैं एचएएल के भी नतीजे, तो किस प्रकार के नंबर्स रह सकते हैं आइए कुशल से जान लेते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल नहीं, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से तो अच्छा खासा प्रदर्शन ही यहाँ पर भी उम्मीद है। इनफैक्ट 14% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 4130 करोड़ पर यह आंकड़ा आ सकता है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी 20% ग्रो करकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, 22.8% से बढ़कर लगभग 24% के मार्जिन कंपनी अनुमान लगाकर चल रही है। जिस तरह से बेहतर एग्जीक्यूशन से आय में अच्छी बढ़त है वो कहीं ना कहीं इनको फायदा दे सकता है। और मुनाफा भी 14% ग्रो करकर 706 करोड़ ये हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। अधिक अन्य आय से में तो ग्रोथ मिलेगी, बट आगे के लिए जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है इनकी और इसको लेकर आगे क्या कमेंट्री है, खासकर डिफेंस स्पेस को लेकर, वहां पर सबसे बड़ा फोकस हमारा बनेगा। एबीबी के भी कल नंबर्स आ रहे हैं ना, तो जरा बता दीजिए क्या प्रीव्यू है, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, तो एबीबी कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी, नंबर्स यहां पर भी काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। अब देखना है कि यहां पर सरप्राइज आता है या नहीं, बट 21% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर, लगभग 2500 करोड़ रुपए की आय अनुमानित है। और साथ ही कामकाजी मुनाफा 41% ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है 280 करोड़ पर। मार्जिन भी लगभग 2% बढ़कर 9.7% से 11.3% और मुनाफा 235 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। 67% की ग्रोथ यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। कुल ऑर्डर बुक में 28% की ग्रोथ हम अनुमान लगा रहे हैं 7657 करोड़ पर। तो सभी सेगमेंट्स में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और आगे की ऑर्डर बुक भी अच्छी लग रही है। कमेंट्री ऑब्वियसली सबकी जो नजर है इस पर रहेगी। ओके, चलिए तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनका हमें रहेगा इंतजार। एक क्विक चेक इनफैक्ट ले ही लेते हैं यहाँ पर कुणाल जी। एबीबी सर नंबर्स कल आने वाले हैं, कुशल ने सारी डिटेल्स रख दी हैं, अभी तो प्रेशर में है, कल के लिए क्या सलाह होगी सर? देखिए नेहा, मुझे चार्ट मजबूत लगता है और एक पैटर्न भी यहाँ बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि नंबर्स के बाद आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखे और इसमें काफ़ी बड़ा अपमूव बने। वैसे भी स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मिंग है, तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए, साथ में नई खरीदारी भी कर लें टाइट स्टॉप लॉस के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। एचएएल के भी डिटेल्स अभी रखे थे कुशल ने, तो मेहुल जी जरा बताइए एचएएल इस समय कोई राय बन रही है, इनफैक्ट कल के लिए कोई राय बन रही है? जी नहीं नेहा मैम, बिकॉज एचएएल की बात करूं तो बहुत ही छोटे से रेंज में वो ट्रेड कर रहा है पिछले 5 या 6 दिनों से। डाउनसाइड पर 3700 का सपोर्ट है, अपसाइड में 3850 का रेजिस्टेंस है। जब तक ये आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक इसमें कोई भी मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो प्राइस वाइज ऐसा लग रहा है कंप्लीटली साइडवाइज है, तो ब्रेकआउट आएगा तभी इसमें कोई ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके, सो एज ऑफ नाउ थोड़ा ट्रैप्ड है रेंज में, अभी किसी भी साइड का ब्रेकआउट मिले उसके बाद ही यहाँ पर कोई बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। क्विक चेक एक पावर ग्रिड पे ले लेते हैं, यहाँ पर 242 के आसपास है, लगातार हमारे एनालिस्टों की नजर उस पर बरकरार भी रही है। हिमांशु जी पावर ग्रिड को ये सलाह देना चाहेंगे? देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही नैरो ट्रेडिंग रेंज में है, 240-242। जब तक 240 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक सस्टेन कर रहा है अनडाउटेडली ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तेजी की पोजीशन है तो बने रहे। मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म में फिलहाल कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पर खरीदारी की जाए। ओके, तो ये है आपके लिए राय पावर ग्रिड पर इस वक्त आती हुई। आइए बचा है आखिरी एक डेढ़ मिनट और बाजारों के बंद होने की तैयारी,
जरा मैं आपके सामने रख दूं माहौल क्या है। 19,550 के आसपास बंद होने की तैयारी निफ्टी की, 85 अंकों के नुकसान के साथ। 300 अंक नीचे सेंसेक्स है और 335 अंक नीचे बैंक निफ्टी है, लेकिन बंद होगा 44,500 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर ही बंद होगा। यहाँ चिंता न करें आप, बिल्कुल कल के लिए उम्मीदें कायम है। उम्मीदें कायम इसलिए है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारने के मूड में, 175 अंक ऊपर है। नैसडेक फ्यूचर्स ने मार रखी है सेंचुरी, तो ठीक है बाहर का माहौल खराब नहीं है। हम घटे हैं तो थोड़ी आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद थोड़ी सी जो चिंताएं बड़ी लिक्विडिटी को लेकर, उस वजह से घटते हुए नजर आए हैं। क्या है मजबूत, क्या है कमजोर, बता दूं मैं आपको। निफ्टी में आज मजबूत शेयरों में देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस, ये 2.25% की तेजी के साथ टॉप गेनर, और अदानी पोर्ट भी इसके ठीक पीछे। टाइटन में 1% की मजबूती है। इंडसइंड बैंक भी 2% मजबूत होता दिख रहा है, और ONGC भी 1% मजबूत। कमजोर क्या है, एशियन पेंट्स 3% नीचे, कोटक बैंक 2% नीचे, और ITC में भी 1.25% का नुकसान। थोड़े कंजम्पशन वाले शेयर आज हुए हैं ढीले, एशियन पेंट्स, ITC, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले। 6 में से 5 टॉप लूजर निफ्टी में आज कंजम्पशन पे। अचानक से लोगों ने खाना पीना खर्चा करना बंद किया लगता है सर। तो ये है आपके लिए, घंटी की आवाज़ आ चुकी है आपके कानों में, और ये है प्रोविजनल क्लोजिंग की। फाइनल क्लोजिंग आएगी, तब तक आप इंतजार। क्या बंद हुआ है देखिए, निफ्टी 551, बैंक निफ्टी 549, क्या बात है, गजब। तो चलिए थोड़ी देर में हम बताएंगे, लेकिन गुरुवार के दिन हमारे एक्सपर्ट्स को बिल्कुल चैन नहीं है। बाजार बंद होने के बाद भी उनको बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बहुत मतलब देना क्या पड़ता, खून की उनकी इच्छा होती है। जैन साहब बता सकते हैं किस वजह से? बात दुनिया की, चलिए इस हफ्ते दुनिया भर की बेहतरीन शानदार खबरें आपके लिए तैयार। कौन कौन सी है, नजर डाल लीजिए। इस हफ्ते बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। जानिए क्या हुआ जब इराक के एक विमान से भाग निकला भालू। टाइटैनिक को डुबाने वाला आइसबर्ग अब किस शहर का करने वाला है विनाश। आपको दिखाएंगे एक ऐसी जैकेट जो बचाएगी चिलचिलाती गर्मी से। बीवी को खुश करने के लिए पति ने दिया 12 लाख के फूल का तोहफा। और मिलवाएंगे 110 साल की उम्र में स्कूल ज्वाइन करने वाली सबसे उम्रदराज स्टूडेंट से। देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, तो ये है आपके लिए विमान से भागता हुआ भालू और ग्लेशियर विनाश करने की तैयारी में गर्मी से भगाने वाली जैकेट और बीवी को खुश करने के लिए 12 लाख के फूल 110 साल की उम्र में स्कूल जाते हुए महानुभाव। कौन सी कहानी किसको पसंद आई? अच्छा जैन साहब सबसे बताइए। जी जैन साहब बताइए। हमारे तो राजस्थान में वैसी गर्मी पड़ती है आजकल, तो खैर हर जगह ही पड़ती है, तो ये तो जोरदार। और मैं सोचा इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले लूं साथ में, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स। तो ये आपको पसंद आई है? अच्छा एक मिनट, ये कहानी और किस किस को पसंद आई है? किसकी पसंद की लिस्ट में ये और है, गर्मी से बचाने वाली? बंसल जी, ओके, वागले साहब, वेरी नाइस। जय, आपने भी हाथ खड़ा किया? नहीं, ओके, तो वागले साहब, जय जय ने जय भी नहीं, जय आपको भी ये स्टोरी पसंद है? हाँ। जय को आधार है। जी अनिल जी, गर्मी से, हाँ गर्मी वाली पसंद, गर्मी है से ना बचने वाला सूट अनिल जी, जैकेट उसमें मुझे इंटरेस्ट है अनिल जी। हाँ, अगर जैन साहब अगर इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे तो अच्छा अनिल जी, सब सैंपल हमको फ्री देंगे। लेकिन अभी तो बाद में आपकी सैंपलिंग में कर रहा हूँ, रुको अनिल जी। अरे आपके, हाँ बंसल जी, इस स्टोरी से रिलेटेड है कुछ बोलो, ये स्टोरी आपको भी पसंद है क्या? नहीं अनिल जी, ये स्टोरी भी पसंद है और उससे स्टोरी से ज्यादा तो नहीं जी, कमाल का। नहीं नहीं, एक मिनट, बाकी कमाल छोड़ दो, ये पसंद है क्या? अरे ये पसंद है क्या, ये बोलो, गर्मी से बचाने वाली जैकेट। अनिल जी उससे भी ज्यादा जैन साहब का आइडिया अनिल जी। अच्छा, नहीं नहीं, तो एक मिनट अनिल जी, मैं और कुणाल जी फिर वो जैन साहब के जेंट्स का कॉपीराइट ले लेंगे। अच्छा देखो, तो जय को पसंद आई है गर्मी वाली जैकेट, वागले साहब और कौन कौन था? जैन साहब तो ही है, चार दिनों को है ना? ओके, बंसल जी को, बंसल जी को, हाँ
इन चारों की ऐसी तैसी होने वाली आज बीवी को बताने का फूल वाले। तो आप लोग ये मान के चल रहे कि 12 लाख के फूल देने के बाद भी आपकी वाइफ खुश नहीं होंगी, आप दूसरी स्टोरी पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना? तो मतलब आप वो काम इम्पोसिबल मान रहे हैं। कुणाल जी, ये सारी जो ये बात है, ये कौन भेजेगा इनके घर पे, जिम्मेदारी किसकी? अनिल जी, अनिल जी मैं घर पे भिजवा दूंगा अनिल जी। और लेकिन अनिल जी मेरी भी एक जिज्ञासा है जानने की, कि 12 लाख के फूल देने के बाद अनिल जी बीवी खुश हुई या नहीं हुई अनिल जी, ये बताइए। और दूसरा अनिल जी, जो भालू भाग गया अनिल जी, ये भालू एक पहचान का भालू हमारा भी अनिल जी, वो ना भाग गया अनिल जी, तो वो भी जरा कंफर्म करवा लीजिएगा। हमारे भालू को हम गुड्स कार्गो में नहीं भेजते, उसमें कार्गो वाले विमान में। और बाय द वे, जो 12 लाख के फूल दे के जो जिस हस्बैंड ने वाइफ को दिए थे, वो इंडियन नहीं है, विदेशी है, मैंने फोटो देख ली, इसलिए आप लोग ट्राई भी ना करें। सवाल तो सबसे पहले आपका ही आएगा, आए कहाँ से ये 12 लाख, ठीक है? और फिर इसमें खर्च करने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए कोशिश भी ना करें। इसलिए वागले साहब, जैन साहब, वह सब ने कह दिया कि दूसरी स्टोरी पसंद की। चलिए, तो बात दुनिया की देखिएगा जरूर आज शाम, ये बेहतरीन शो हमारा आपके लिए 4:30 बजे। नए डेटा प्रोटेक्शन बिल से बच्चों के डेटा पर खतरा आ चुका है। अचोके नहीं, इसमें यह कहा गया है कि बच्चों को पेरेंट्स की अनुमति मिलने पर ही सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की इजाज़त दी जाएगी, और इसके लिए उनका और उनके पेरेंट्स का आधार जमा कराना होगा। एक तरफ से इसे जटिल प्रोसेस बताया जा रहा है, वहीं दूसरी टेक कंपनियों का कहना है कि उससे उनका काम काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम इस पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि सरकार की सख्ती के मायने क्या है, टेक कंपनियों की दिक्कतें कैसे बढ़ेगी, और बच्चों के डेटा की सुरक्षा के इस बिल में क्या है इंतजाम, इस पर होगी बातचीत। एस चंद्रशेखर साहब, MD CEO KNS डिजी प्रोजेक्ट। प्रशांत माली साहब, साइबर एक्सपर्ट। सारंग नागमोटे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे बात, बच्चों का डाटा, सेफ्टी की चिंता। परफेक्ट। उसके बाद है, RBI ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन महंगाई का टारगेट बढ़ाया है। सब्जी दाल जैसी चीज़ों की बढ़ती कीमतों से बैंक की नज़रें महंगाई पर बनी हुई है। गवर्नर साहब ने जो कुछ आज कहा है पॉलिसी में, क्या कुछ खास है और क्या कुछ बदलाव है, इसका पूरा विश्लेषण होगा India 360 डिग्री में। UPI, महंगाई, EMI सब देख रहा है RBI। यह है हमारा आज का विशेष कार्यक्रम प्राइम टाइम बुलेटिन। हीरा सिर्फ खान से निकलता है, अब ये बात हो गई है पुरानी। हीरा सिर्फ अब खान से नहीं बल्कि विज्ञान से भी निकलता है, और वैसे जयपुर में भी जेम्स निकलते हैं, जैन साहब वाले। हाँ, उसके अलावा जी हाँ, अब हीरा लैब में बनने लगा। लैब में बनने वाले हीरे का इतना क्रेज है कि सरकार इसे प्रमोट कर रही है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब है, उनकी अर्धांगिनी को उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड ही गिफ्ट किया था। सवाल यह है कि लैब ग्रोन डायमंड बनता कैसे, इसकी कीमत नेचुरल डायमंड के मुकाबले में कितनी कम है, और लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में फ़र्क क्या है, इन्हीं के सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं सूरत की लैब ग्रोन डायमंड फैक्ट्री में। देखिए पूरी झलक डायमंड्स की फैक्ट्री की। हीरा जो खदान से नहीं निकला, विज्ञान से। लैब ग्रोन डायमंड कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया है क्या? लैब वाला हीरा चमक रहा अब शान से। माइन डायमंड आप लेने जाओ तो उसकी जो कीमत है उसके कंपेयर में ये कीमत में 10% है। लैब ग्रोन डायमंड पर दूर होगी हर भ्रांति। ये जो लैब में जो हीरा बनता है उसकी 4 प्रक्रिया होती है। जी बिजनेस दिखाएगा देश में हीरे वाली क्रांति। फर्क नहीं है दोनों डायमंड में, बोलो कि भी ये माइन है ये लैब है, फर्क तो कोई है नहीं। देखिए ये हीरा लैब वाला, शुक्रवार शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। ये हीरा लैब वाला है, और ये है विशेष कार्यक्रम 4:30 बजे, मिस मत करिएगा। मृत्यु जी हमारे साथ हैं। मृत्यु जी सैंपल लाए हैं आप हमारे लिए? सैंपल लाए हैं सर, ओरिजिनल वाले नहीं, हमको यही वाले लैब ग्रोन वाले दे दो। मतलब दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल है, तो हम उसी से लाएंगे, हम ये बोलेंगे हमने ओरिजिनल ही लिया है। तो आप ये बोल सकते हैं सर, पहचानना बड़ा मुश्किल है। चलिए बढ़िया, तो आज मृत्युंजय के साथ ये शो जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। 4:30 बजे 4:30 बजे ओ सॉरी शुक्रवार शुक्रवार सॉरी कल है जी। हाँ, अब तो आज का कार्यक्रम भी बताओ फिर। आज का सर मार्केट में एक्शन है, एग्री में बड़ा एक्शन है इस वक्त, अब 1.25 घंटे का ट्रेड एग्री में बचा है। तब तक के लिए आपके लिए कहाँ पर ट्रेड का मौका बनेगा,